بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آپ سب لوگ اپنے مائک بند کر لیجیے ताकि आप सब तक आवाज उधर से तरफ पहुंच सके। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स टू के आखिरी सफ़े के आखिरी इशारात हमारे इंशाल्लाह ताला आज हम करेंगे और पांचवा सफ़ा हम कंप्लीट करेंगे। तो ऑफिशियली दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेसन एंड लास्ट क्लास एक्सेप्ट फॉर रिवीजन क्लास नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं हम अपना सबक। तीसरा इशारा पांचवें सफे का। काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा, आपका माइक ऑन है नफीसा। हम पढ़ रहे हैं सूरह बकरा के इब्तदाई पांच सफा, जिन्हें हम अपने राइट हैंड की पांच उंगलियों पर याद कर रहे हैं। उनका जो मेन टॉपिक है वो है हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है पांचवें सफे पे, जो हम लोग अब कर रहे हैं। इस वक्त ये पांच इशारे पांच उंगलियों पर आप देख सकते हैं। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आप सबने इनको अच्छी तरह से रट भी लिया होगा। पहले सबसे हम तमाम इशारों को दोहरा लेते हैं, मेरे साथ साथ दोहराएं अपने माइक बंद करके। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। और शॉर्टली हम इसे कह सकते हैं तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इनमें से पहले दो इशारे सूरह फातिहा से मुतालिक हैं और दूसरे दो इशारे सूरह बकरा की इब्तदाई आयत। सफ़ा नंबर दो के चार इशारे हैं, काफ़रीन को हिदायत नहीं, नाफ़रीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुख। मुख्तसरन हम कह सकते हैं काफ़रीन, नाफ़रीन, फसादी, बेरुख, फसादी, दो रुख। तीसरे सफ़े के हमारे इशारे थे आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। चौथा सफ़ा हमने किया, उसके हमारे इशारे थे गैब और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कैसे। मुख्तसर किया हमने इसको गैब, मच्छर, गुमराह। इसके बाद हमारा पांचवा सफ़ा चल रहा है, पांचवें सफ़े के और हमारे आखिरी सफ़े के जो इशारे हैं वो हैं खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, इस्ताना और तौबा। एक मरतबा इनको दोहराएंगे हम, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, इस्ताना और तौबा। इनको भी छोटा कर दिया गया है कि आपके लिए आसानी हो जाए। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। एक मरतबा फिर, खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। इसमें से हम खलीफा पर सवाल और अस्मा की तालीम पिछले हफ्ते कर चुके हैं, आज इंशाल्लाह ताला हम सजदा और इब्लीस और खुशाना और तौबा के इशारे करेंगे। आपने देखा कि ये इशारे जो हैं ये एक तरह से जंजीर का काम दे रहे हैं कि पूरे सफ़े का जो मज़मून है वो एकदम से आपके जहन में आ जाता है कि इस सफ़े पे इसके मुतालिक बात हुई है। और इसी तरह से जो ये शॉर्ट एक एक वर्ड का इशारा है इससे भी आप समझ जाते हैं कि पूरा इशारा क्या है। खलीफा कहने से आपको समझ आ गई कि खलीफा पर सवाल की बात है और खलीफा पर सवाल में आयात आपके जहन में आ जाएंगी। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बनाने लगा हूँ इंसान को जमीन पर खलीफा, फिर क्या सवाल हुए थे, फिर वो आपके जहन में आएंगे। अस्मा की तालीम से अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था वो आयात आपके जहन में आएंगे। और सजदा इब्लीस से वो आयात जो आज हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। इस तरह आपको आयात और जो सफ़े पर मज़मून होता है उसको भी एक क्विक सा आपको रिव्यू आ जाता है इशारे से।
या पॉइंटर्स। इससे पिछली आयात में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और उनको इल्म से नवाजने के बारे में बताया था, और अब जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर इनामात किए उसके बारे में। अल्लाह ने हजरत आदम का इकराम किया फरिश्तों को सजदे का हुक्म देकर। तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। गुनाह की जगह के करीब भी मत नहीं जाना। तो ये देख देख कर खुशी होती रहती है ना, हर मरतबा के लाइन में बस दो लफ्ज हैं हमारे लिए नए, तीन लफ्ज हैं, ज्यादा लफ्ज नहीं है। तो जो हमारे दो बड़े चैलेंजेस थे कुरान समझने के लिए, वोकैबुलरी और ग्रामर, हमने वोकैबुलरी जो है वो फ्रेजेस और पॉइंटर्स के जरिए सीखी, और ग्रामर हमने पीपीआई और जो शॉर्ट डायलॉग्स हैं हमारे उनके जरिए। आई एम श्योर ये जो चैलेंजेस थे शुरू शुरू में हमको, ये किसी हद तक इनको हमने ओवरकम कर लिया है जी। कोई बताएगा मुझे इज इट सो, और हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। चैलेंजेस आपको मतलब इतने ज्यादा आप नहीं लग रहे, कुछ कम हुए नहीं लग रहे? कम हुए हैं, और बल्कि जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा जब वो लाइने तलावत करते हैं तो उसमें से भी कुछ ना कुछ समझ में आता है, और बहुत खुशी होती है कि ये पढ़ा हुआ है तो काफी समझ में आने लगा। यही हम चाह रहे हैं कि आप जब भी कुरान पढ़ें, क्योंकि देखिए यही अल्फाज हैं बार बार आ रहे हैं कुरान में। ऐसा तो नहीं है जो अल्फाज हम यहाँ पढ़ लेंगे वो हमें कहीं और नजर नहीं आएंगे जी, वही हमको बार बार नजर आते हैं। तो जब भी कोई अल्फाज आपको नजर आए जो आपने पढ़ लिए हैं वो तो फौरन समझ जाता है बंदा, जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी थोड़ा सा गौर करें तो आपको इंशाल्लाह वो भी समझ आना चाहिए। जी जी ऐसा ही है, और शौक भी आने लगा है कि अब हम पढ़ के देखें अब कितना समझ में आता है। जी जी, जब समझ आने लगता है तो फिर शौक बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए ख़ैर दे डॉक्टर साहिबा, रियली एंजॉयिंग दिस क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर लाइन में ऑलमोस्ट बस दो से तीन अल्फाज ही आपको नए मिलेंगे, और इन अल्फाज को सीखने के लिए हम वही करेंगे कि फ्रेजेस के जरिए, ठीक है? और उन फ्रेजेस को अपने फॉर्मूला के तहत दो मरतबा दोहराएंगे ताकि हमें पक्का बैठ जाए। हमारी पहली आयत है ये। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. और जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो हो गया काफिरों में से। वाइज और जब बोलना हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों से, इसमें दो टुकड़े हैं ली और अल मलाइका, तो लिल मलाइकति फरिश्तों से। लिल मलाइकति सजदू ली आदम, ये उसने सजदा किया तो उसके साथ जिसको सजदा किया क्या है उसके लिए ला का वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पर ली आदमा उसके साथ नाम आएगा जो भी जिसको सजदा किया जा रहा है। ये नोट करने की जरूरत है। उस्जुदु ली आदमा, उस्जुदु तुम सब सजदा करो ली आदमा आदम को, बस सजदु बस उन सब ने सजदा किया, बस सजदु उन सब ने सजदा किया इल्ला सिवाय
इब्लीस के अलावा, इल्ला के बाद हमेशा ऐसी चीज आती है जो कम होती है, जो ज्यादा लोग ज्यादा चीज हो जाती है वो इल्ला से पहले आती है, और इल्ला के बाद वो चीज जो कम लोगों ने की होती है, जैसे हमने सूरह असर में पढ़ा था ना कि वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्ला लजीना आमनू, यानी कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के। इल्ला के बाद हमेशा वो चीज आती है जो वो काम कम करती है, यानी सब ने सजदा कर दिया सिवाय इब्लीस के। नफीसा आपका माइक कॉन्स्टेंटली ऑन। नहीं, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, इल्ला को मगर भी कह सकते हैं? जी, इल्ला को मगर भी कह सकते हैं, सिवाय भी कह सकते हैं, अलावा भी कह सकते हैं। हाँ, ये यही मुझे पूछना था, इसलिए मैंने। जी, आपने अगर बीच में सवाल करना हो दरमियान में, क्लास के दरमियान में, तो फिर आप हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है, फिर उसे मुझे समझ आ जाएगी कि आपको सवाल करना है, अदरवाइज यही होता है कि शायद गलती से हाथ रख गया माइक, ठीक है। इल्ला के दो तीन मतलब हैं, अब एक्सेप्ट मतलब इसके बारे में आप बताइए, अबा उसने इनकार किया, ये नया वर्ड है, अबा बस तक पड़ा, उसने इनकार किया और तकबर किया, अबा बस तक पड़ा, इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना और वो हो गया, मिनल काफिरी काफिरों में से, सज्दा सिर्फ अल्लाह के लिए है। यहाँ पे जिस सज्दे का जिक्र किया जा रहा है कि फरिश्तों ने आदम को सज्दा किया, वो आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और तआज़ीम के लिए था, उनकी इबादत के लिए नहीं। ये चीज कह रही है, बाद में तब लोग जो है वो ये समझते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को भी फरिश्तों ने सजदा किया था, तो वो सजदा जो था वो इबादत के तौर पर नहीं था। अल्लामा इक़बाल ने भी अपने एक शेर में, आई थिंक शिकवा में था उनका शेर ना, कि था जो मस्जूद है मलाइक के कोई आदम है करके, तो मस्जूद हो गया जिसको सजदा किया गया, तो मस्जूद का वर्ड उसमें आया था, तो मुझे एकदम से याद आ गया कि इसमें मफूल आ रहा है ना, मस्जूद जिसको सजदा किया गया, ये सजदा ताज़ीम सजदा। और फरिश्तों ने तो अल्लाह का हुक्म माना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि उसको सजदा करो, तो उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, आदम की इबादत नहीं की। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इकराम है, सोचें कितना कैसा सीन हुआ कि जब फरिश्ते, कितने सारे तो फरिश्ते हैं ना, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन के कितने फरिश्ते हैं, और वो किस तरह से मौजूद होंगे वहाँ पर, और आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब सब झुके होंगे, तो अल्लाह वालों में कैसा सीन होगा। इस बात पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शैतान ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, और घमंड किया उसने। क्यों उसका घमंड किया था? कि उसने आदम अलैहिस्सलाम से हिस्सा किया, और जब उससे पूछा गया भाई सजदा तुमने क्यों नहीं किया, तो उसने ये नहीं कहा कि फरिश्तों को कहा था तो मैं तो फरिश्ता नहीं हूँ, मैं क्यों सजदा था, उसने कहा कि अना खैर मैं इससे बेहतर, क्योंकि मैं इसको मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, मैं बेहतर, यानी उसने अपने आप को बेहतर समझा, उसने सरकशी का इजहार किया, और इस तरह से वो नाफरमान, एक सज्दे से इनकार पर वो शैतान जो है उसको अल्लाह ताला ने अपने दरबार से रामदाय दरगाह बना दिया, और हमेशा हमेशा के लिए उसको ठुकरा दिया। तो याद रखिए, सज्दा जो है ये आज भी उनकी सारी की अलामत है, सज्दा ना करना तकब्बुर सरकशी की है, जो अल्लाह ताला को। सजदे की अहमियत और फजीलत पर रबी करीम ने फरमाया था कि जब इब्ने आदम यानी कोई भी बंदा सजदा करता है, सजदे की आयत पढ़ता है, तो शैतान तन्हाई में रहता है, कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, अल्लाह ने इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया, उसने सजदा कर लिया, उसके लिए तो जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म दिया और मैंने नहीं माना, तो मेरे लिए जहन्नम दिया। ये मुश्किल में रवायत। इसी तरह एक मतलब रबिया बिन काब अस्समी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया कि सजदों की कसरत करो, सजदों से इसमें मेरी मदद करो, यानी कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो, और सजदे आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ करेंगे, नमाज में करेंगे, फर्ज तो फर्ज है उसमें, तो एक वो है नवाफिल की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह के लिए एक सजदा करता है तो
इसलिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है नफल नमाज जो है उनका एहतमाम करना चाहिए। थोड़े सजदे भी जो है वो ठोंगे मारने वाले नहीं होने चाहिए। सजदे मुख्तलिफ असकार हैं, मसनून असकार हैं, मसनून दुआएं हैं जो सजदे से सजदे में की जा सकती हैं, जो कि अहादीस से और सुन्नत से साबित हैं। उनका एहतमाम कीजिए, उनको याद कीजिए। छोटी छोटी सी दुआएं हैं, सजदे में जाके आप उनको मांगें। जब आप वो एक लिस्ट बना लेंगे ना कि भाई ये जो है उनको सजदे में मांगना है, लेकिन याद रखिए मसनून दुआ होगी वो पुरानी दुआ नहीं हो सकती। तो उन दुआओं को आप सजदे में मांगें तो आपका सजदा ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा। अगर बगैर दुआ के तो सर झुका के ऐसे बंदा बोरी हो जाएगा सेकंड्स में और सर उठा लेगा। तो कुछ दुआएं लिस्ट बना लीजिए, उनको याद कर लीजिए और उनको दोहराते रहिए और उनमें इजाफा करते रहिए। इंशाल्लाह आपके सजदे अच्छे हो जाएंगे, ब्रेन का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, समझ में भी अच्छा आया करेगा और ग्रामर जो है वो बहुत अच्छी आपको याद रहा करेगी। तो इस आयत को इसका तर्जुमा एक मरतबा आप दोहरा लीजिए सर। इस कुल नी और जब हमने कहा फरिश्तों से उस आदमा सजदा करो आदम को, बस सजदू इल्ला इब्लीस, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा और उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना मिनल मुश्रिकीन और वो हो गया मुश्रिकों में से काफिरों में से, काना मिनल काफिरीन और वो काफिरों में से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस आयत के अल्फाज में कोई चीज नहीं ऐसी जो किसी को समझ ना आई और वो आई हैव टू रिपीट इट आउट, एक्सप्लेन इट अगेन। ओके जी, जी अब्दुल रहमान साहब بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ثم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. और हमने कहा ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों उसमें से बराबर जहां से तुम दोनों चाहो और तुम दोनों करीब न जाओ उस तरफ के वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। वकुलना और हमने कहा या आदम, ए आदम, आदम अलैहिस्सलाम को पुकार कर अल्लाह ताला कह रहे हैं या आदम उसको, ये अलहदा से क्या था उसको, तुम रहो उसको अंता, तुम रहो उसको अंता, उसको जो है उसमें भी तुम छुपा हुआ है क्योंकि आप जो अमर है ऑर्डर है कि किसी को सामने वाले को कुछ कह रहे हो उसमें भी अंदर छुपा हुआ है लेकिन एक अंदर दोबारा दिया है। उसको रहो रहो अंता बस जाऊजू का और तुम्हारी बीवी, ये ऐसे ही है तुम और तुम्हारी बीवी रहो यानी कि तुम अपनी बीवी के साथ वहां रहो वहां जन्नत में अल जन्नत। बकुला और तुम दोनों खाओ, हमने पढ़ा था ना अकला या अकुलू कुल, उसने खाया वो खाता है खा तो तुम खाओ, तो ये एक के लिए था कुल खाओ और जब उसके साथ हम एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं तो वो दो के लिए हो जाता है कुला तुम दोनों खाओ, तो कुला तुम दोनों खाओ मिन्हा इसमें से, अब मिन्हा में से हा जो है ये जन्नत की तरफ, ये जन्नत में से खाओ जो भी तुम रगद, रगदन कहते हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना खुले हो गए फ्री हो गए खाओ, मतलब तकल्लुफ नहीं करना है बिला तकल्लुफ, उसका आप सही तर्जुमा बिला तकल्लुफ भी समझ सकते हैं, बिला तकल्लुफ खाओ ये हमारा नया फ्रेज है, इसको मरतबा दोहरा लीजिए। वकुला मिन्हा रगदा और तुम दोनों खाओ इसमें से बाफरागत या बेतकल्लुफ
बकुला मिन्हा रगदा और खाओ तुम दोनों से बाफर आकर हैसु शेतु। हैसु का मतलब है जहां से। शेतुमा ये भी ऐसे ही है जैसे बुला था। शेतु हमने पढ़ा था तुमने चाहा, ठीक है, आपने चाहा, एक के लिए शेतुमा और शेतुम शेता सॉरी शेता और सबके लिए शेतु कि तुम सब चाहते हो, ठीक है, तुम सब ने चाहा। तो शेतुमा दो के लिए है, शेतुमा तुम दोनों ने चाहा। तो तुम दोनों खाओ जहां से तुम दोनों ने चाहा, यानी तुम दोनों खाओ जहां से तुम चाहते हो, तुम वहीं से खाओ। तो शेतुमा ऐसे ही है जैसे कुलाधा अलिफ के एडिशन से, इसी तरह शेतुम तुम सब ने चाहा और शेतुमा जो है वो दो के लिए आएगा तुम दोनों। इसमें दो दो का आया है, दो तीन मरतबा जिक्र है, बस इसको आपने हल्का सा नोट करना है कि जो वाहिद का हमारा टेंस है उसमें एक अलिफ का इजाफे के साथ ये बन जाते हैं। और जमा के लिए जब आता है तो जमा से भी आप इसको अलग बना सकते हैं। जहां से तुम दोनों चाहो, जहां से तुम दोनों ने चाहा। वला तकरबा ये भी ऐसे ही है, ला तकरब एक है, ला तकरबा दो है और ला तकरबु ज्यादा, ठीक है। ला तकरब एक के लिए हम कहते हैं करीब नहीं जाओ, ला तकरबु हम बहुत सौ के लिए कहते हैं मत जाओ, और दो के लिए जो है वो ला तकरबा तुम दोनों करीब ना जाओ, तुम उनके साथ हम वला तकरबा और तुम दोनों करीब ना जाओ, वला तकरबा और तुम दोनों करीब ना जाओ। हाजिहि शजरता इस दरख्त के करीब, तुम दोनों करीब ना जाओ इस दरख्त के। हाजिहि शजरता इस दरख्त, तो हाजिर ही क्यों आया है, क्योंकि शजरा जो है वो मुन्नस है, उसमें भी आपको बोलता दिख रही है, तो इसीलिए हाजिर ही मुन्नस है। फतकूना मिनल ज़ालिमीन वरना हो जाओगे तुम दोनों ज़ालिमों में। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी ये तकरबा शेतुमा और कुला को देखा। तो फतकूनु होता है तुम सब हो जाओगे और तकूना जो है ये दो के लिए, ठीक है। जी आवाज नहीं आई कोई, ठीक है जी। फतकूना मिन ज़ालिमीन वरना हो जाओगे तुम दोनों ज़ालिमों में से। तो तकूना जिस तकूना के साथ अलिफ है वो दो के लिए है, अगर अलिफ के बगैर तकूना होगा तो वो एक के लिए, वो दो के लिए। ये नई चीज आई है इस लिहाज से तकूना और तकूनो। जी तकूनू तो हम पढ़ चुके हैं ना, तकूनू ना जी जी, ताना यकूनू फिर यकूनू ना फिर तकूनू अकूनू और तकूनू ना, ये तकूनू ना है जो है ना तुम सब हो जाओगे, ये तकूनू ना है, लेकिन वो किसी वजह से तकूनू हो गया है, वो उसको छोड़ दीजिए आप, वो बहुत सी वजूहात होंगी जिसे कुछ अफाल में चेंज हो जाता, तो वो एक चेंज है, लेकिन तकूनू से आप समझ जाएंगे तकूनू जो है वो जमा के लिए आ रहा है, ज्यादा लोगों के लिए बाव और अलिफ आ रहा है ना एंड में। तो तकूना जो है जिसमें नून के साथ अलिफ है दैट इज फॉर डुअल। अलिफ की निशानी जो है वो डुअल की है, जब आपको सिग्नल के साथ अलिफ नजर आ जाएगा फेल के साथ आपको समझेंगे कि ये डुअल की बात है। खुला तुम दोनों खाओ, शेतुमा तुम दोनों चाहो, ला तकरबा तुम दोनों मत जाओ, फतकूना वरना तुम दोनों हो जाओगे, क्योंकि दोनों से इकट्ठा खिताब किया गया ना, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को निगाह के बीवी को बता देना ऐसे ऐसे करना है, दोनों से कह दिया एक साथ के तुम दोनों ऐसा ऐसा करो। मिनल ज़ालिमीन तो आपको पता ही है कि ज़ालिमीन जमा है, तो ज़ालिमों को जमा है ज़ालिमों में से हो जाओ। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद आदम और माँ अलैहिस्सलाम को ये एजाज अदा किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनके आराम को सारी सहूलियात। अगरचे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में ही खलीफा बनाने के लिए पैदा किया, किसी मतलब पता नहीं कि हम बतौर सजा यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला का पहला प्लान यही था कि जमीन पर ही भेजना है, लेकिन ट्रेनिंग और टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए जो है वो तराई तौर पर जन्नत में रखा गया, लेकिन वो जल्दी उन्होंने टेस्ट किया, पता नहीं आप कितने अरसे में वो टेस्ट से फारिग हुए थे,
ये तो नहीं पता है। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और तमाम इंसानों के लिए ये इशारा था कि असल ठिकाना जन्नत है, इसलिए शैतान की पैरवी करके अपने इस ठिकाने को जाया मत करो। और कहा गया कि दरख्त के करीब पहुंच जाओ, ये नहीं बोला कि उसका फ्रूट नहीं खाना या कुछ ऐसा मत करना या साय में जाके नहीं बैठना, कहता करीब ही नहीं जाना है, खाना तो दूर की बात है। तो जन्नत में एक दरख्त था जिससे मना कर दिया गया था, बाकी तो उन्हें खुली आजादी थी कि जहां से तुम चाहो कह दिया गया हई खुशी तुम्हारा, जहां से तुम्हारा दिल चाहे बिला तकल्लुफ खाएं इस्तेमाल करें, एक जगह जाने से मना कर दिया। तो हम देखें कि हमारे पास इर्द गिर्द कितने ऐसे दरख्त हैं जिनसे हम मना किए गए हैं, हमारा मीडिया नेट है, टीवी मैगजीन और जो इर्द गिर्द का माहौल है, ये बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, हम तो समझे जंगलात में घिरे हुए हैं, जिनके करीब जाने से रोका गया है। अल्लाह से ही दुआ मांग सकते हैं और अपनी कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बुराइयों से दूर रहें, हमारी मदद करवाए हमें। उसके कदमों को एक मरतबा दोहरा दीजिए, वकुलना या आदम, और हमने कहा ए आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, वकुला मिन्हा रगदा और खाओ तुम दोनों उसमें से बरकरार, जहां से तुम वला तकरबा हाज़िहि शजरा और तुम दोनों करीब ना जाओ उस दरख्त के, वतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन वरना हो जाओगे तुम दोनों ज़ालिम। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम रहो तुम्हारी बीवी जन्नत में और तुम दोनों उसमें से खाओ जहां से चाहो इतनी नाम से, और करीब ना जाना इस दरख्त के वरना तुम हो जाओगे जालिम। इसमें हमारे लिए असबाब क्या है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इकराम किया, फरिश्तों को उनकी सजदे का हुक्म दिया। तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है और गुनाह की जगहों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। इन आयात की रोशनी में हम अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ कर सकते हैं कि जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल बना दे और हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक दे। और फिर प्लान कीजिए कि बुरी चीज़ों और बुरी जगहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी बुराई भी जो है ना वो एक्युमुलेट होके एक बड़ा ढेर बन जाता है। बंदा कभी सोचता है कि ये तो छोटी सी बुराई है इसको मैं चलेगा चलेगा चलने का, लेकिन बात ऐसा ही होता है कि वो आदत बन जाती है इस तरह की चीज़ें, तो छोटी 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 चीज़ें पाइल अप होकर ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह न किसी नेकी को छोटा समझना चाहिए, छोटी से छोटी नेकी जो है वो भी इसी तरह से है कि आप करते जाएंगे तो वो भी पाइल अप हो जाती है, उसका आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह बुराइयाँ जो हैं वो हमारे लिए वो वाले जान बन जाएंगे। आइए इसमें से हम असमा ढूंढते हैं कौन कौन से असमा हैं। ज़ौजुन, ज़ौजुन की जमा क्या है? अज़वाजुन। तो बहुत ईजी हो गया ना क्योंकि कई मरतबा आ चुका है। इसी तरह से जन्नतों में जिसकी जमा है जन्नातों, और शजरतों, शजरतों की जमा है अशजार। बस यही है। अब देखते हैं हम इसमें हमारे तीनों रूप वाले सेहतमंद अफाल कौन कौन से हैं। सबसे पहले उस्जुदू का पहले हम वैसे ही कर बैठे थे दरम्यान में, सजदा यस्जुदू उस्जुद साजिदुन मस्जूदुन सुजूद, ये हमारा नसारा के पास। उसके बाद है उस्कुन, उस्कुन रहना वो रहा, सकाना यस्कुनु उस्कुन साकिन डैश और सकन, साकिन डैश और सकन,
ये भी नसरा के साथ मिल जाता है। इसके बाद है तकरबा, तकरबा का फेल है करीबा, यानी कि वो करीब हुआ। तो ये करीबा से ही आपको पता चल गया कि ये समय के पैटर्न पर आ रहा है, क्योंकि इसके माजी में आपको जेर नजर आ गया। करीबा यकरबु इकरब करीबुन, इसका जो है इसमें फाइल वो कारिबुन यूज नहीं होता, बंदा का फॉर्मूला के मुताबिक कारिबुन है मगर कारिबुन नहीं यूज किया जाता। करीबुन मकरूबुन और कुरुब, ये एक और पैटर्न पे भी आता है लेकिन हम इसको भी यहाँ पर फिलहाल समय से कर रहे हैं। तो इसलिए इसका इसमें फाइल करीबुन जो कि करीब हुआ, जो नजदीक हुआ हम कह लेते हैं, पास हुआ कह लेते हैं, करीबा कभी हम तर्जुमा ही करेंगे ना, ये वो करीब हुआ। फिर है जालिमी, अब जालिमी जो है वो इसमें फाइल है जलाना से, तो जलामा उसने जुल्म किया। यजलिमु, अब यजलिमु में जेर आपको बता रही है कि जेर जो है वो मुजारे में आ रही है, ये दराबा स्टाइल, तो जलामा यजलिमु इज्लिम जालिमुन मजलूमुन और जुल्मुन, ये हमारे सही हाल हो गए। इसके बाद हम कमजोर में देखते हैं, कमजोर में है जी आपका काला, और तो आपको नजर आना काला भी नजर आ रहा है, काना भी नजर आ रहा है, तो ये तो आपको हर लाइन में एक से दो मरतबा भी तीन मरतबा मिल जाते हैं, इसलिए तो बहुत ईजी है, दोनों एक ही पैटर्न पर आते हैं इसलिए और ज्यादा आसानी है। नया हमारे लिए है अबा, अबा का मतलब है उसने इनकार किया। अबा यहबा, और इसका अमल बनेगा ईबा। ये इसका जो पैटर्न आपको सीन और एन नजर आ रहा है, ये अभी हमने इसको एसेच किया नहीं है अभी तक, तो ये सा है, सा का मतलब होता है उसने कोशिश की, उसने दौड़ दी, जिसको हम सही करना जो है वो भी इसी से है सा। तो सा इसका ग्रुप कह सकते हैं आप इसको कि सब ग्रुप है इसका वो सा है, और मेन जो इसका पैटर्न जो चार हमने पढ़ना है कि हमेशा उन चारों में से कोई ना कोई एक होगा, तो ये उन चारों में से फतह के ऊपर, जैसे फतह यफ्ताह इसी तरह से अबा याबा ऐसे है, और ईबा जैसे हम इफ्ताह कर लेते हैं ना तो कुछ उससे मिलती जुलती साउंड है, तो साउंड को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ईबा आबिन इनकार करने वाला, माबीन इसका इनकार किया गया, इबा इनकार, एक मतलब आप फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अबा याबा ईबा आबिन माबीन इबाउन, और रूट लेटर इसके हमजा बा और या, क्या बोलते हैं ये हमजा से शुरू हो रहा है और साथ साथ कमजोर भी है, इसमें दोनों क्वालिटी आ गई, हमजा से भी आ रहा है और कमजोर भी है, या भी आ रहा है। फिर है कुला, कुला हमने अभी किया, जिसको खाया गया और अकलुन खा, ये शाह है शाह, ये शाऊ शा शाइन मशीन मशीयतन जहां, ये हम कर चुकेंगे। शाह जो है ये इसका जो सब ग्रुप है वो पापा है, और मेन ग्रुप क्या है समिया, बिल्कुल जी मेन है हमारा समिया, सीन शीन से याद कर, सीन शीन समिया और उसके साथ, तो दैट्स इट अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा लेसन जो पेज है हमारा कौन सा हमने भी कंप्लीट किया, 5C हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम इंशाल्लाह 5D की तरफ चलते हैं। तो आप लोग फोन बताएं 5C में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पॉइंटर ऑफ दिस लास्ट पेज, चार हमारे इशारे एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं हम पांचवें सफे के,
खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सरदारी, इस्ताना और तौबा। शॉर्ट हम करेंगे खलीफा, अस्मा, सरदा, फिसला। खलीफा, अस्मा, सरदा, फिसला। इन आयत में अभी हमने जो किए 5C जो आयत थी, इसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दर्द के करीब जाने से मना किया, और अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाया और फिर उन्होंने तौबा। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है, खतरनाक है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए, उसकी जानों से खबरदार रहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके इसे तबाह बर्बाद मत कीजिए, और जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। तो इन लाइनों में थोड़े ज्यादा हाइलाइटेड वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन नए इसमें नहीं है। फ्रेजेस को हम यहाँ कह सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो सब जाने पहचाने हैं, कोई कम कम वर्ड जो आपके लिए नए। सबसे पहले इन आयात को अब्दुल रहमान साहब तिलावत कर दीजिए ताकि फिर हम आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फअज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फीह। مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। उससे बस निकाल दिया उन दोनों को, उससे जो वो दोनों थे इसमें, और हमने कहा तुम सब उतर जाओ, तुम में से बाज के दुश्मन है और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना और सामान है एक वक्त तक। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं इसको, तो अज़ल्लहुमा शैतान, बस फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने। यहाँ पे भी आप देखेंगे इसके तीन टुकड़े हैं, फ बस अज़ल्ला उसने फिसलाया, हुमा उन दोनों, हुआ के लिए एक हुआ होता है वो एक, हुम थे वो सब, तो हुमा है वो दोनों, ये एक और डबल का आ गया। इसमें भी क्या हुआ है कि हुम में एक जो है वो अलिफ का इज़ाफ़ा कर देगा। जी सिद्दीकी साहब, ये फिसलाना है या फुसलाना है जो फिसलाते हैं बेवकूफ बनाते हैं? दोनों समझ लीजिए, फिसल के गिर भी सकता है बंदा और फुसलाया भी जा सकता है। इसको हम तो वैसे फुसलाना ही बोलते हैं। जी जी जी, जज़ाकल। तो बस उसने उनको फिसला दिया, फुसला दिया, जैसे भी आप समझ लीजिए इसको, हुआ उन दोनों को, तो हुआ एक है वो, हम वो सब हैं, और आज हमने सीख लिया कि हुमा जो है वो दो के लिए आता है, वो दो हुमा, अशैतान शैतान, फ़ज़ल्लहुमा शैतान, बस फुसला दिया उन दोनों को शैतान। हम और हुमा जैसे मैंने आपको बताया, हम वो सब है और हुमा वो दो, अन्हा उससे यानी के जन्नत से, फ़अख़रजा हुमा, ये भी तीन टुकड़े हैं, अखरजा हुमा, का मतलब बस, अखरजा उसने निकाला, उसने निकाल दिया, हुमा उन दोनों, अखरजा हुमा बस निकाल दिया उन दोनों को, मिम्मा उससे जो, मिम्मा भी दो टुकड़े हैं, मिन और मा, मिम्मा उससे जो, काना भी, अभी देखिए ये काना नहीं है, काना वो था, काना वो दोनों थे, भी एक अलिफ के एडिशन से ये भी ड्यूअल का बन गया, उससे जो वो दोनों थे, अगर हम इसको ऐसे तर्जुमा करते हैं ना, उससे फिर निकाल दिया उन दोनों को, उससे जो वो दोनों थे उसमें, यानी कि
उन दोनों को निकाल दिया जिसमें वो दोनों थे, यानी वो दोनों जन्नत में थे तो उनको जन्नत से निकाल दिया। वकुलना, और हमने कहा एक बितु, उतर जाओ तुम सब, उतर जाओ अमर का बितु बादुकुम लिबादिन अदू, तुम में से बास के दुश्मन है। एक बितु बादुकुम लिबादिन अदू, तुम सब उतर जाओ, तुम में से बास के दुश्मन। वलकुम, और तुम सबके लिए है, फिल अर्द जमीन में, मुस्तकर्रुम व मताम, ये दो टुकड़े हैं, मतलब दो वर्ड हैं, साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, मुस्तकर्रुम व मताम, ठिकाना और सामान्य जिंदगी। मता कहते हैं जो मामूली सामान, ऐसा जिससे बस आपका गुजारा हो सके, मालो मता भी हम उर्दू में यूज करते हैं, मालो मता है वही है ये मता। मुस्तकर्रुम व मताम, ठिकाना और सामान्य जिंदगी। मुस्तकर्रुम व मताम, ठिकाना और सामान्य जिंदगी, इनके इकरार पकड़ने की जगह, ठहरने की जगह। इलाहीन, एक वक्त तक, हीन कहते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत, इलाह तक, एक मुकर्ररा मुद्दत तक आपके लिए जमीन में ठिकाना है, सामान्य जिंदगी है, उसके बाद फिर वापसी है। तो लोगों को बहकाने के मामले में शैतान से ज्यादा चालाक नहीं हो सकता, इस बात का इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उसने जन्नत में रहते हुए आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया। वो तो नबी थे, इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको इतना इकराम किया, फरिश्तों से सजदा करवाया, रूम दिए, उनको फिसला दिया, तो बाकी लोग क्या चीज़? तो हमें हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए शैतान से, और उसकी जानों से खबरदार रहना चाहिए। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ लेना चाहिए, स्लोली स्लोली, जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, एकदम से जो है वो बंदा समझ जाता है, कभी कभी कोई बड़ी सी चीज़ होती है, तो छोटी 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 चीज़ें होती हैं, उसको बंदा वो नोटिस ही नहीं करता और उसके जाल में फंसता जाता है। तो हमें ये तो मालूम नहीं है कि उसने एक ही मरतबा कहा कि या दो मरतबा कहा, कितनी मरतबा शैतान ने उनको के जाके तो देखो, खा के तो देखो, मुझे भी नहीं पता ये भी कितने साल लग गए उसको फुसलाने में, लेकिन बहरहाल उसने एंड में अपना जो अचीव कर लिया उसने अपना, तो वो हार नहीं मानता है, इंसान हार मान जाता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बचे रहें। सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक और तजर्बेकार दुश्मन है। जब हम दूसरी बार शुरू करवाते हैं तो उसकी हम पहली क्लास में लोगों से यही कहते हैं, उस दिन बड़ी हाजिरी होती है जब किसी दिन पहली क्लास होती है, वो मतलब जब किसी दिन हमारी क्लास होती है तो फुल हॉल भरा होता था, इस कोने से उस कोने तक, आहिस्ता आहिस्ता। वो फिर एक दिन में कहते थे कि अगले हफ्ते जो है ना, शैतान आपको बड़े बड़े काम याद दिलाएगा एंड क्लास के वक्त, ये काम ज़्यादा ज़रूरी, ये काम कर लो आज, और बस क्लास भी खैर है। तो वो फिर है कि उस वक्त अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह जाए बंदा तो फिर वो चलता रहता है, वरना कि शैतान बहकाता है आपको और ज्यादा चीजें आपको इम्पोर्टेंट करके, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे इससे क्या होता है, रह जाते हैं और फिर हम छोड़ भी देते हैं। बहुत से लोग ऐसे निकल जाते हैं क्लासेस से। हमें चाहिए हम अपनी जहानत पर और अपनी प्लानिंग पर या अपनी इबादतों पर ना भरोसा करें कि हम तो ये सब कर रहे हैं, तो हम पे तो शैतान का वार नहीं होगा, लेकिन शैतान जो है वो वार करता है, और वो उसी वक्त वार करता है जब वो देखता है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। अगर आप दूसरे लव कामों में बंदा मसरूफ है तो वो तो ऑलरेडी शैतान के एजेंडे पे काम कर रहा है, उसको शैतान कुछ नहीं कहता, शैतान उसी के पीछे आता है जो उसको भगाने की कोशिश करता है, जो अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है। अब मुझे याद नहीं कि ये किन बुजुर्ग की बात है, कि वो एक मरतबा नमाज के लिए जा रहे थे, उसको उनको मतलब शैतान किसी इंसान की सूरत में मिला, या वल्लाह आलम के साथ उसने कहा कि भाई तुम तो इतने नेक हो और तुम्हें अब तहज्जुद पढ़ने की या इतनी नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो इतनी इबादत कर, तुम तो ऑलरेडी जन्नती हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे सुनाने में पहचान गया हूँ तुम्हें कि तुम कौन हो,
और इबादत की जरूरत क्यों नहीं है, ये तो नदियों को भी अल्लाह ताला ने मतलब कहा कि नमाज पढ़ो ये पढ़ो, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। कहते हैं वो तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना मतलब तुमको मैं बहका लेता। कहा कि यहाँ भी तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इल्म मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया, मुझे अल्लाह के करम ने बचा लिया। तो शैतान तो ऐसे ऐसे लोगों पर वार करता है, तो बाकी जो हमारे जैसे हैं उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, हमें बहलाना पहलाना सिर्फ अल्लाह ही हमें शैतान के जाल से महफूज कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि शैतान से पना मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला की हिफाजत तलब करनी चाहिए, तब उसका एहतमाम करना चाहिए कि हमारी दीनी दुनियावी जिंदगी जो है हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए हमें अपने वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसका तर्जुमा एक मरतबा आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आयात पढ़ती हूँ, आप तर्जुमा अपने एंड पे दोहरा लीजिए। तो अज़ल्लहुमश्शैतानु अन्हा फअख्रजहुमा मिम्मा काना وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ الحمد لله جی یہ نیکسٹ آیت ہے عبد الرحمٰن صاحب بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलेमात, तो तौबा कबूल की अल्लाह ने उसकी, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला रहम करता है। फा तलब का ये दो टुकड़े हैं, फा और तलब का। फिर सीख लिए, तलका का मतलब होता है उसने सीख लिया। फा तलब का फिर सीख लिए आदम, आदम ने मैं रब्बी ही कलेमा अपने रब से कलेमा दिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ कलेमा। फतलक्का आदम मिन रब्बी ही कलेमा, फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलेमा। फताबा अलैही, तो तौबा कबूल की अल्लाह ने। ताबा हमने किया हुआ है ना, ताबा का मतलब वो पलटा, वो लौटा, उसने तौबा की, हम ये तर्जुमा करते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अल्लाह के लिए भी ये ताबा वर्जूज होता है और हमारे लिए भी। जब ताबा के साथ अला आता है आइन से, जैसे यहाँ पर है ताबा अला, इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने तौबा की। ये अला का जो ताबा के साथ अला का वर्ड है ये अल्लाह के लिए आता है, और इला का वर्ड जो है हमजा से जो इला आता है ये हमारे लिए आता है तौबा करने। अगर हम कहें ताबा इलैही, इसका मतलब है कि तौबा हम तलब कर रहे हैं उससे, अल्लाह ताला से तौबा तलब कर रहे हैं। जब ताबा अलैही होता है उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने तौबा की उसकी, ऑफ कोर्स वो अलैही में जो भी है वो उसकी तरफ जा रहा है जिसने तौबा की। ये चीज आप लोगों को क्लियर है ना सबको, कि ताबा के साथ जो ये दो वर्ड आते हैं तो आप उसके पहचान सकते हैं कि ये हमारे लिए है या अल्लाह ताला के लिए, ये तौबा कबूल की जा रही है या तौबा मांगी जा रही है। दुआया कलमात होते हैं ना, वअतूबु इलैही, मैं तौबा करता हूँ इलैही खुद से, या मैं पलटता हूँ तेरी तरफ। जब अपने लिए हम कुछ हमारी आखिर में हम दुआ पढ़ते हैं वो भी, और बेशुमार और दुआओं में ये जहाँ तौबा तलब की जा रही होती है वहाँ पे इलैही के वर्ड के साथ ताबा अलैही, उसने तौबा कबूल की। इन्नहु, बेशक
हुआ फिर वो, जब दो एक साथ प्रोनाउन आ जाते हैं विद सिमिलर मीनिंग, तो इसका मतलब है कि वहां पे उसको स्ट्रेस दी जा रही है। तो इन्ना हो, बेशक हो, हुआ वो, यानी कि वो भी है, बेशक वो भी है। क्या है? अत्तवाबुर रहीम, अत्तवाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। तो तर्जुमे में तो हमको ऐसे ही लिखा मिलेगा, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। लेकिन अब हम इतना अल्फाज को पहचानते हैं कि तवाब जो है वो सिर्फ तौबा कबूल करने वाला नहीं है, मतलब बस ही तौबा कबूल, तवाब बार बार तौबा कबूल करने वाला, बार बार पलटने वाला। पहले सूरह नस्ल में भी किया था, सुबह में तो हमने सीखा था कि ऐसे अल्फाज जिसमें तवाब जैसे अल्फाज, उसमें ये एक चीज है वो कंसिस्टेंटली होती है एंड विद इंटेंसिटी होती है, इसमें भी ज्यादती भी पाई जाती है और शिद्दत भी पाई जाती है। जैसे रहमान के अल्फाज थे इसी तरह से तवाब टाइप की जो वर्ड है उसमें भी जो ये सिफत बताई जा रही है वो खूब खूब जाती है उसमें, ठीक है। इसी तरह गफ्फार है, तो गफ्फार में जो है वो गफ्फार यानी कि बख्श देने वाली क्वालिटी है, तो वो गफ्फार जो है वो बार बार तौर आपको बख्शने वाला। इसी तरह सत्तार जो है वो बार बार आपके अयूब और गुनाहों को छुपाने वाला, तो तवाब का यही। और रहीम, रहम करने वाला, अब ये कैसा रहम करने वाला है ये भी हम जानते हैं कि जो ऐसे बढ़ जाते हैं रहीम के पैटर्न पर उनमें ये सिफत ज्यादा होती है और दायनी होती है, यानी कि ये जो क्वालिटी है ये वन टाइम क्वालिटी नहीं है या टू टाइम क्वालिटी नहीं है, दैट इज फॉर इनफिनिट टाइम, इटर्नल दायनी सिफत होती है। तो रहम करना अल्लाह ताला की दायनी सिफत, अल्लाह ताला की रहमत का अंदाजा लगाएं कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खुद तौबा का तरीका सिखाया, उनको तो सब कुछ अल्लाह ताला ने ही सिखाना था, तो तौबा का तरीका भी अल्लाह ने उनको सिखा दिया। इससे पहले हमने देखा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा यानी कि नाम सिखाया, यहाँ बयान है कि अल्लाह ताला ने आदम को कलिमा सिखाया, वो या अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज सिखाई, तमाम चीजें अल्लाह ने सिखाई। तो क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं? अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और अल्लाह ताला ने जहन दिया है, अल्लाह ताला सिखाने के लिए भी तैयार है, क्या हम सब सीखने के लिए तैयार हैं? यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा उन्होंने कबूल की, तो हमें भी फौरन गलती हो जाती है। अब ऐसा तो कोई नहीं है कि बिल्कुल गलती ही कभी नहीं होती और ना होगी, बिल्कुल होती रहती है, लेकिन फौरन उसका एहसास कर लेना चाहिए और अल्लाह ताला से माफी तलब करना चाहिए कि वो हमारी तौबा को कबूल करे। सईदुल इस्तिगफार सीख लीजिए, छोटी सी दुआ है, आई एम श्योर आप लोगों से बहुत लोगों को आती भी होगी, जिनको नहीं आती है उसको याद कर लें और इसको नमाज के बाद जो अस्कार होते हैं उसमें मामूल बना लीजिए, इंशाल्लाह इसकी मतलब बड़ी अहमियत बताइए। सईदुल इस्तिगफार, ये इस्तिगफार होता है, हम जल्दी में से इस्तिगफार बोलते रहते हैं, इस्तिगफार इज द करेक्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ये यानी ये सैयदुल इस्तिगफार पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और रात से पहले मर जाए तो वो जन्नती है, और अगर पूरे यकीन के साथ रात में पढ़े और सुबह से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। बुखारी से रवायत है। तो सैयद कहते हैं हेड को, सरबरा को, ये सबसे बड़े को। तो इस्तिगफार की जो दुआएं हैं उनमें ये सबसे छोटे छोटे, सबसे छोटा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, और कुछ नहीं याद होता तो अस्तगफिरुल्लाह तो आता ही होता है सबको, इब्तदा उससे कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड करते जाइए। और तौबा सच्ची होनी चाहिए, झूठी तौबा की आपको पता है ना उससे तो कोई फायदा नहीं होता, सच्ची तौबा होनी चाहिए। उसमें यह है कि सबसे पहले आप अपने गुनाह को एडमिट करें, उसके बाद हेड करेंगे कि गुनाह दोबारा नहीं करेंगे, और उसके बाद गुनाह की माफ़ी मांगे, ना करने का वादा हो, फिर उस गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। ये है आपकी सच्ची तौबा। और जब भी अल्लाह ताला की सिफात सुने तो फौरन उस सिफात के लिहाज से दुआ करें, मसलन यहाँ अत्तवाब आए तो फौरन तौबा करें, ठीक है। इसी तरह से रहीम आए तो रहम के लिए दुआ करें,
इसी तरह जब आपको और कोई अल्लाह ताला की सिफत मिलती है जहाँ आता है कि अल्लाह ताला की फजल का जिक्र आ रहा होता है तो वहाँ आप अल्लाह ताला से उसका फजल करें। जहाँ जन्नत का जिक्र आया वहाँ पे दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा जल्ला मिन्हुम, इन लोगों में मुझे कर दे, इन लोगों में से मुझे बना दे या कर दे। इसी तरह से जहाँ जहन्नुम का या नाफरमानों की सजा का जिक्र आता है वहाँ भी अल्लाह ताला से तौबा कीजिए और उसे बना दे। ये आप तभी कर सकेंगे जब आपको अल्फाज के माने आपको समझ आ रहे होंगे, तो फिर आप ये कर सकते हैं। इसलिए अल्फाज पर गौर कीजिए, माना को समझिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करनी पड़ी, तो हमें तो बार बार तौबा करते रहना चाहिए। नबी करीम भी इस्तगफार की कसरत करते थे, तो उनसे किसी ने कहा था कि क्या आप भी इस्तगफार करते हैं? मैं भी करता हूँ, 70 से ज्यादा मरतबा करता हूँ, तो आपको भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं क्या उस अल्लाह का शुक्र ना अदा करूँ जिसने मुझ पर इतना किया है, मैं उससे इस्तगफार ना तलब करूँ? तो इस्तगफार जो है उसकी कसरत करनी चाहिए, उसका तर्जुमा आप लोग कराइए, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैही इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर शैतान ने उन दोनों को पुचका दिया और उन्हें निकलवा दिया उस जगह से जहां वो थे, और हमने कहा तुम निकल जाओ, तुम्हारे बाज बाज के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक वक्त तक सामान है। फिर आदम ने हासिल कर लिया अपने रब से कुछ कलमात, फिर उसने उसकी तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ याद है किसी? अब इसमें भी देखें आपको दो दो की मिल रहा है ना, क्या चीज जलमना इसमें जमा के लिए आप कर सकते हैं, तो जलमना ठीक है, जमा के लिए तो दोनों का मिला के उन्होंने हमारे लिए इसमें असबाब ये है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा और खतरनाक तरीन दुश्मन है। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे और चालों से खबरदार रहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी ना कीजिए, और जब गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से माफ। तो इस आयत की रोशनी में हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि हम हमेशा आपकी पनाह चाहते हैं ताकि शैतान हमें बहका न दे, भटका न दे, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पनाह चाहेंगे और ताकि शैतान हमें फंसा न दे। वही प्लान है हमारा जो हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, यानी तहफ्फुज का है तमाम करेंगे। अस्मा और अफाल देखते हैं, अश्शैतानून, अब शैतान की जमा, शैतान की जमा है शयातीन, ये भी हमें आती है। अदुबुन इसकी जमा है मताउन, इसकी जमा बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट सी है। मताउन जमा है अम्तियातुन, मताउन अम्तियातुन, और कलेमात कलेमातुन जो है ये जमा है उसकी वायद है कलेमातुन कलेमातुन, तो इजी है ना, बहुत दफा हमने किया हुआ इसको। चलो जी सही वर्ड हम देखें इसमें कौन से हैं, एक पितु ये है हबाता, यह पितु एह बित उतरो, एह बितु तुम सब उतर जाओ, हाबितुन उतरने वाला जो उसे उतारा गया, महबूतुन पता नहीं फिर क्या होगा, हाबितुन और महबूतुन हुबूतुन उतरना, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड भी आपने कुरान में पढ़ा होगा जो दूसरी हाथ से लिखा जाता है, जैसे हम लोग हलवे वाली हाथ करते हैं, नोट किया कभी आपने, हबेतत आमालुन, वो हबदा सॉरी वो हबेदा या हबदुन, इसका मतलब होता है जाया होना,
और गाया हो गया उनके अमाल। अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो अब आप लोग नोट कीजिएगा। ये जो हबाता है इसका मतलब होता है करना, और हबता जो हल्के वाली हा से आता है हबेता समय पैटर्न से, उसका मतलब होता है जाया। और क्या है बस लिखा कमजोर में ताबा आ गया, ताबा यतुबू तो ताएबुन, अब मतूबुन इलैही। अब वैसे तो हम इसको अक्सर डैश ले जा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो हम इसको मतूबुन इलैही कर सकते हैं। मतूबू इलैही दोनों को जोड़ के रहना पड़ेगा, ताबा जो तौबा कर रहा है अल्लाह से, ताएबुन तौबतुन तौबा करना। कामा काला और काना तो वैसे भी हर लाइन में मिल जाते हैं, इसलिए इसको बार बार नहीं करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही हमारा ये टेक्स्ट पोर्शन जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम यू बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम इंशाल्लाह ताला अपने ग्रामर के दोनों लेसन दोनों इशारे करेंगे 5C और 5T। आज के लेसन में हम इंशाल्लाह ताला नए फेज सीखेंगे। एक ही पैटर्न का एक फेल ही आप समझ लीजिए, उसी की कंटिन्यूएशन होगी, डिफरेंट उसकी प्रैक्टिस होगी। रजिया, नसिया, खशिया और लकिया पैटर्न पर आने वाले हम सही अफाल पढ़ चुके हैं पहले, फतहा, नसरा, गरबा और आते हैं। इसके बाद हमने कमजोर अफाल भी सीखे हैं, जिन कमजोर अफाल को पता है तीन हमारे पास पोजीशंस होती हैं लेटर्स की, 1, 2 एंड 3। तो तीनों में से वो शुरू में आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, आखिर में आ सकता है। शुरू में आने वाले हमने सीखे वहाबा और वहादा, इसी तरह दरमियान में जिनके एक कमजोर हर्फ मौजूद होता है आला और ज्यादा, फिर एंड में जिसमें कमजोर हर्फ मौजूद है जिसे दहा और हदा, इस पैटर्न पर आने वाले। इसके अलावा हमने ऐसे अफाल भी सीखे हैं जिसमें एक ही पैटर्न दो मरतबा मौजूद होता है, जैसे वन्ना और गल्ला। ये जो अफाल हैं ये इन टेबल्स को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि ये कुरान में बार बार आपको नजर आएंगे, आपको आते होंगे तो आप उन्हें पहचान लेंगे और आपको आसानी होगी। वो जो सही वाले अफाल हमने किए थे जिनके तीनों रूफ लेटर्स सेहतमंद होते हैं, क्योंकि कमजोर रूफ आपको पता है अलिफ, वाव और हमजा हैं। जिन अफाल में अलिफ, वाव या हमजा, सॉरी अलिफ, वाव और या मौजूद होगा बतौर रूफ लेटर, अंडरलाइन बतौर रूफ लेटर, बतौर रूप लेटर अगर अलिफ, वाओ और या मौजूद होंगे तो वो कमजोर कहलाएगा, और अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो वो सही या सेहतमंद कहलाएगा। जैसे फतहा, नसरा, गरबा और समिया पैटर्न पर आने वाले हम उनको सही अफाल कहते हैं। और जो दूसरे हैं जैसे वहाबा, वादा, इसमें शुरू में कमजोर लेटर है, आला, ज्यादा में दरमियान में है, दा और हदा में एंड में। और कमजोर लेटर के हवाले से एक चीज और भी याद रखनी है कि जो आपको अलिफ नजर आ रहा है वो दरअसल अलिफ नहीं है, क्योंकि अलिफ कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ रूट लेटर। द अलिफ व्हिच यू आर लुकिंग एट कुड बी आइदर वाओ और या, ये वाओ और या की बदली हुई शक्ल हो सकती है, आसानी के लिए बोलने में रवानी के लिए इसको बदल दिया जाता है, अदरवाइज अलिफ लेटर नहीं होता। रूट लेटर हम पहचानते हैं माजी का जो टेबल है उसके पहले वाले वर्ड्स, उसमें आपको तीनों रूट लेटर मिल जाते हैं। जैसे फतहा टाइप पर आने वाले में आपको फतहा, फआला, जाला में तीनों रूट लेटर नजर आए, इसी तरह से नसरा पे आने वाले हैं उनमें आपको नजर आए। वहाबा पे वाओ जो है वो रूट लेटर होता है, वहाबा का रूट लेटर वाओ, हा और बा है, जो इस पैटर्न पर आएंगे। वाओ इज अ पार्ट ऑफ रूट लेटर, या इज अ पार्ट ऑफ रूट लेटर बट नॉट अलिफ, और आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन अलिफ एंड हमजा इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमजा क्या होता है और अलिफ क्या होता है। डू आई हैव टू रिपीट इट अगेन और
That means it is clear. तो ये जो अफाल के ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स को याद रखने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे से जुमले बनाए थे, जुमलों की मदद से हम इनको याद करने में आसानी समझते हैं। सही अफाल के लिए हमारे जुमला था, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, नहीं तो मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समया। कमजोर अफाल में जो अल्फाज जुमले हमारे आ जाएंगे, अल्लाह ने देने का वहाबा, वादा किया है, वादा, बल्कि कहा औला, ज्यादा दूंगा, ज्यादा, इसलिए दुआ करो, तहा, हिदायत की, हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, नहीं तो भटक जाओगे, तल्ला। अभी जो दो समया के सामने शाह और रदिया नजर आ रहे हैं, इनको जुमले में नहीं शामिल किया गया, तो इससे जुमला हम खुद भी बना सकते हैं। सिद्दीकी साहब, आपका माइक ऑन हो गया, तो इसको हम अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि बल्कि कहा, काला, ज्यादा दूंगा, ज्यादा, शाह, जिसको चाहूंगा, तो आप उसको शाह को बीच में ऐड कर दीजिए, इसलिए दुआ करो, दा, हिदायत की, हदा, ताकि अल्लाह राजी हो जाए, रजिया, राजी के मानो आप ऐसे डाल लीजिए अंदर, और फिर आपको ये भी पैटर्न याद आगे से ऐसे। ये जो आपको हरूफ नजर आ रहे हैं, ये कोड्स कहलाते हैं, जो कि आपको वर्क बुक में भी कभी नजर आते हैं अफाल के साथ, तो ये याद रखें, ये जो सही अफाल हैं, जिनको हम सही कहते हैं, सेहतमंद कहते हैं, के तीनों के तीनों रूट अटैच ठीक होते हैं, उनको जाहिर करने के लिए एक चाय ला दो, उसको लाने, उसको याद करने के लिए एक हर्फ का इंतखाब, उसमें हम एक एक वर्ड से बताते हैं, सॉरी ये पीछे हो गया, यहाँ पर ना, तो ये आप देखेंगे जो सही अफाल हैं उसके लिए सिंगल लेटर है, पा से बताएंगे कि ये फतहा है, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं। शुक्र, मैं अब इसको लिख लेगी, कहाँ थी, लटकी हुई वहां पे, माइक बंद कर लीजिए, कितने लटकाई होगी आप लोग के माइक के हवाले, यहाँ रखो, मैं भी इसको लिख रही थी कि देखो ये क्या मुश्किल है, कि नसरा को हम आधा नून लिख के जाहिर करेंगे, इसी तरह से दरबा के लिए ये द्वार का हेड बना दिया जाता है, और समया के लिए सीन का हेड बनता है, ये बताने के लिए कि इसका ग्रुप क्या है। जब हम कमजोर अफाल पर आते हैं तो वो कमजोर हैं तो थोड़ी सी उनकी खातिर मदारात कर रहे हैं, ताकि उनको दो दो लेटर से जाहिर कर रहे हैं, एक लेटर से समझ नहीं आएगा ना, तो दो लेटर से बताने के, वहाबा इज द कोड ऑफ सिमिलर पैटर्न ऑफ अफाल, जैसे कि वहाबा के साथ मिलता जुलता हमने क्या पढ़ा था, याद है वहाबा की तरह आता वो, वदा, तो वदा का जो कोड होगा या उसका जो सब ग्रुप होगा वो होगा ये वहाबा का, वाओ और हा आपको लिखा हुआ, इसी तरह से लेकिन मेन ग्रुप इसका क्या है, फा, मेन ग्रुप यही चार है, उन्हीं चारों में से ये सब छोटे छोटे सब ग्रुप्स हैं। नसरा जो है इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो तीन हैं, ठीक है, एक औला, एक दा और एक दन, ये सब नसरा पैटर्न पर आते हैं। अब आला जो है इसके जो ये किसका सब ग्रुप बनेगा, मतलब किसके सब ग्रुप की हेडिंग बनेगा, ये इसमें से हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने एक तो आला को, उसके बाद इसके हमने सबसे ज्यादा पढ़े हैं, जैसे काना था और कामा था, इसके जैसा और इसके जैसा, यहाँ मैं लिख रही हूँ अपनों की आसानी की तरफ लिखते हैं, ताबा था और जाहा, यही थे ना, तो ये सब थे, इनका सब ग्रुप है काला, काला की हेडिंग में ये सब आएंगे। फिर
फिर हमने दा किया था, दाल और आइन जो है ये हमजा नहीं है, ये आइन है। तो दाल और आइन जो है ये दा के पैटर्न पर आने लगे। दा के पैटर्न पर एक तो दा से था, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था खला, और एक हमने पढ़ा था तला। तो ये दोनों, इनका जो सब ग्रुप की हेडिंग आएगी वो ये है। जन्ना में तो ये एक तो ये जन्ना खुद था, और क्या था रद्दा मद्दा। इसी तरह से गल्ला जो है ये एक तो कुत्ते था, सॉरी ये मैंने नून इसी को डबल कर दिया, जबकि ये नून नून आना है, एक ही नून है। इसी तरह से ये लाम एक ही बनेगा गल्ला। गल्ला के पैटर्न पर जो हमने दो किए थे वो क्या थे, खर्रा और क्या, और कोई किया था खप्पा। ये इनके सपोर्ट है, ठीक है। ये रजा वाला आज हम करेंगे इंशाल्लाह। शाह से शाह वाले, अच्छा सॉरी ज़्यादा रह गया बीच में, वादा भी रह गया। वादा वाले कौन कौन से थे भला, वलादा और इस पैटर्न पर आ रहे हैं वादा के पैटर्न पे। ज़्यादा के पैटर्न पे हमने कादा किया, ठीक है, और हदा के पैटर्न पे हमने जजा किया और जड़ा किया, ऐसे किया ना। तो अब रजिया का पैटर्न आज हम इंशाल्लाह करेंगे। शाह के साथ हम किसी को भी नहीं मिला रहे हैं, वो हमने उसको एक ही को किया, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ये जो मैंने रेड से लिखे हैं, जो मैंने रेड से अफाल लिखे हैं, इनका अगर आपसे कोड पूछा जाए या सब ग्रुप पूछा जाए तो वो ये है जो ये दो दो लेटर लिखे हैं। और अगर बाप पूछा जाए, बाप या फिर स्पाइट कहते हैं हम इनको आमतौर पर, स्पाइट भी कहते हैं, बाप है या मेन ग्रुप बड़ा ग्रुप पूछा जाए, तो आपके पास तो आंसर शीट में चॉइसिस दी हुई होती, तो आपको समझ आ जाएगी कि कोड पूछा जा रहा है। तो कोड में तो फिर ये नहीं लिखे हुए ना, कोड में तो ये नहीं आएंगे लिखे, इसलिए ये वहां से भी। आई होप दिस इज क्लियर जी, बता दूं आज खामोशी क्यों है भाई। ये हो गया हमारे, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ, सबको समझ आ गया, तो आप सब भी कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्हम्दुलिल्लाह आ गया तो सबकी तरफ से मैं समझ लूंगी कि सबकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं, आज का ताला लेसन हमारा नया वर्ड है रज़िया। रज़िया भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन ये रज़िया नहीं है वो वाली, ये है रज़िया। तो इसका मतलब होता है वो राजी हुआ, जो हम आमतौर पर सहाबा के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। रज़ी अल्लाहु राजी हुआ, अल्लाह अन्हुम उससे, व रज़ू और वो राजी हुए, अन्हु उससे, इसका ये तर्जुमा करेंगे। इसकी जो मिसाल है इसमें कमजोर हर्फ जो है वो आखिर में है, ये भी समय के पैटर्न पर आएगा, आप पहचान लेते हैं। और दूसरी एक और चीज मुझे याद है बतानी कि जो दो या का डिफरेंस आप देखिए, दो या में डिफरेंस देख सकते हैं आप, हदा और हदा के नीचे जो रज़िया है उसमें एक में नुक्ते इस्तेमाल हुए हैं और इसमें नुक्ते नहीं है। जो नुक्ते नहीं इस्तेमाल होते वो अलिफ की साउंड देता है, ये जो है ना ये अलिफ की साउंड देगा जिसपे नुक्ते नहीं है। जहाँ नुक्ते होंगे ये भी रेडी है तो उतना नहीं करता है, जहाँ पे नुक्ते होते हैं वो पक्की पक्की या होती है। अरब को पता है वो तो नुक्ते डाले ना डाले या क्या है, पर वो लोगों ने थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारी आसानी है इसमें हम पहचान लें, जिसके नीचे नुक्ते हैं वो उसको या हम प्रोनाउंस करेंगे, और जिसके पास नुक्ते नहीं होते
वो अलिफ की सौंप में देगा, इसीलिए हम उसे हद या नहीं पढ़ते, हदा पढ़ते। तो अब इसकी फेल माजी की चाबी है, ओ सॉरी फौजिया सुल्ताना आपका हैंड रेज है, जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। Is there a question, Fauzia? डॉक्टर रक्षंदा मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। वो शायद मेरा माइक अनम्यूटेड था, तो अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, तो ये इससे पहले वाली जो स्लाइड थी ना जिसमें आप कह रही थी सबको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, तो उसमें एक्चुअली जो शुरू में दो वर्ड्स लिखे हुए थे ना वो मुझे क्लियर नहीं हुए थे। ये जो टेबल था इसमें वहा बा वादा काला ज्यादा ये सब तो क्लियर है, लेकिन इससे पहले दो वर्ड्स आपने लगाए थे ना जो वो मुझे सही से समझ नहीं आए थे कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली थोड़ा सा आवाज का भी इशू हो गया था उस वक्त। अच्छा, कौन से वाले वर्ड्स थे इससे पहले वाली जो स्लाइड थी वो आप अगर लगा सकती हैं तो फिर। हाँ ये वाला, इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना वे वाओ और वाओ जी नहीं वहाबा जो है ये उसका कोड है जिसका मेन ग्रुप फतहा का पा है, तो इसके साथ हमने एक ही पढ़ा है वहाबा पैटर्न पे आने वाला कमजोर ऐसा फेल जिसके शुरू में वाओ है और जो फा के ऊपर आता है वो है सिर्फ वादा, वही हमने किया। बाकी जितने वाओ पे वाओ से शुरू होने वाले हैं वो दराबा वाले हमने किए। अच्छा ये पता। और वा एन वाला भी ऐसी है जो जरबा पैटर्न पे है। ये वाओ एन जो है ये वादा का वो है एप्लीकेशन, और ये वादा के हमने ज्यादा किए थे ना, हमने वादा के किया था, वजदा किया था, वलादा किया था, वसादा किया था, और जो भी किया था मुझे फिलहाल तो ये तीनों याद आ रहे जी। तो सारी पूरी लिस्ट बुक में भी मौजूद है, उसमें हमने वाओ पे आने वाले कौन कौन से किए। जी नफीसा आपका भी सवाल अगर इसी से रिलेटेड है तो पूछ लीजिए यहीं पे। जी मुझे अभी अभी जो आपने बताया ना कि छोटी या जो है जो मतलब या के नीचे दो नुक्ते होते हैं तो उसको या पढ़ते हैं, और अगर लेकिन ये सेपरेट या होती है उसके नीचे नुक्ते नहीं होते। देखें आप अरबी जो अल्फाबेट को आप देखें वो या के नीचे नुक्ते डालते हैं। नहीं मतलब सेपरेट हाँ, भी अगर लिखी हुई है जैसे हुदा हुदा में लिखी हुई अलग से बिल्कुल या बनी हुई है ना, उसके नीचे तो नुक्ते डाले उन्होंने, लेकिन उसे हम अलिफ की साउंड पढ़ेंगे। यही तो मैं बताया थी कि नुक्ते वाली होगी तो हम या की साउंड पढ़ेंगे, बगैर नुक्ते की वो अलिफ की साउंड पढ़ते हैं। लेकिन ये निशानी नहीं है कि सेपरेट अगर या होगी तो उसको नुक्ते डालने की जरूरत नहीं है। मोस्टली सेपरेट सिंपल या विदाउट नुक्ता इज इंडिकेटिव ऑफ अलिफ। उससे पहले आपको खड़ी जबर जिसे हम कह देते हैं ना नजर आती है उसे हम खड़ी जबर कहते हैं। अरब लोग क्या कोई जबर खड़ी नहीं होती उनकी, बस सिर्फ जबर जबर होती है, तो उसको हम जैसे मूसा लिखते हैं, आप मूसा कैसे लिखते हैं या के साथ लिखते हैं ना, कोई मूसी तो नहीं पढ़ते उसको, मूसा पढ़ते हैं, ईसा पढ़ते हैं, उज्मा पढ़ते हैं, कुबरा सुगरा ये सारे नाम हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम या को लिखते हैं बट दैट साउंड्स लाइक अलिफ। अच्छा जी, लेकिन उसके नीचे फिर नुक्ते की जरूरत नहीं है। नुक्ते की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वो अलिफ की तरह इसको पढ़ते हैं जी, और इस अलिफ को कहते हैं अलिफ मकसूरा कहलाता है। अच्छा, आवाज अलिफ की निकालनी, आवाज अलिफ की आएगी जब या के नीचे नुक्ता नहीं है, आवाज अलिफ की आएगी जी जी। और उससे पहले आपको जो हमारी हम उर्दू बोलने वालों की एक खड़ी जबर होती है ये नजर आ जाती है, ये छोटा सा अलिफ कह दीजिए आप उसे, जो दो हरकात के बराबर हम पढ़ते हैं ना, इसको हम हदा तो नहीं कहते, हदा कहते हैं डबल डबल जी। ये देखें ठीक क्लियर, जजाकल्ला। अब रजिया का मतलब है वो राजी हुआ, अब इसकी जमा क्या बनेगी, रजू रजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजीता ठीक है, रजीता आप राजी हुए, रजीतु मैं राजी हुआ, रजीतुम आप सब राजी हुए, रजीना मैं हम सब राजी। तो चलिए राजी करें सब, रविया रदु रविता रवितु रवितुम रवीना
तो एक फेल माजी की चाबी आपके पास है और फिर हम पूरा उससे कॉलम पूरा हमारा आसानी से टेबल बन जाता है। तो एक मतलब फिर इसको दोहराते हैं हम रिया रु रविता रवितु रवितुम रवीना। इस ना को हम थोड़ा सा ऊपर बोलेंगे अलिफ मत्ता की वजह से। अगर हम दे रवीना करके छोड़ देंगे कि जैसे अलिफ की साउंड हम नहीं देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा वो हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में जब आएगा ऐसा मौका तो आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान। ये हमारा माजी का टेबल हो गया। अब इसमें आईपैड में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें आंसर सारे के सारे साथ आ जाते हैं उसी एक ही स्लाइड पर, स्लाइड शो उस पर नहीं होता। लेकिन मैं चूंकि आप लोगों को लिख के बताना चाह रही थी तो इसलिए मैंने इसका किया है। सवालों का जवाब तो आपको ऑलरेडी आते हैं तो इसमें कोई खतरा नहीं है ऐसा। हल रजिया क्या वो राजी हुआ, तो ना रजिया वो राजी हुआ। हल रघु क्या वो सब राजी हुए, ना रघु सब राजी हुए। चले अगर नहीं राजी हुए तो हम कैसे कहेंगे हल रदीता क्या आप राजी हुए और आप राजी नहीं है, कैसे जवाब देंगे। मा रदिया मा रजीतु मा रदीतु। टेबल के हिसाब से आंसर क्वेश्चंस होंगे। जैसा आंसर जैसे टेबल में इशारे चलते हैं ना बस उसी तरतीब से आपको आंसर करना है। इधर के बाद इधर आता है तो इस सवाल का जवाब इसी से दीजिए, इस सवाल का जवाब आप इसी से देंगे इधर वाले। जब क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, रघु और सॉरी रजिया और रघु दोनों साथ साथ आ रहे हैं। माजी में वाहिद और जमा साथ साथ आते हैं तो वाहिद का आंसर वाहिद से, जमा का आंसर जमा से देंगे। जब आप आमने सामने की बात होती है तो एक सवाल यहाँ से किया जाता है तो जवाब यहाँ से आना चाहिए। सवाल यूं होगा तो जवाब यूं होगा। वाहिद से सवाल है वाहिद जवाब देगा, आप एक से सवाल है मैं से आंसर कीजिए, आप सबसे सवाल है हम से आंसर। और माजी को माँ से कीजिए, मुजारे को ला से कीजिए। ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं चाहिए। माँ माजी ठीक है, मुजारे भी कहने को तो आप कह सकते हैं जो होती है मीम से आ रहा है उसमें ला कहाँ से आ गया, उसमें पूरी माँ नहीं आ रहा ना, मीम अलिफ माँ नहीं आ रहा, माजी में कैसे आ रहा। हल रदी तो क्या आप सब राजी हुए, नाम रवि ना जी हाँ हम सब राजी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब राजी रहना चाहिए। आइए आप मुजारे पर आते हैं। इसके तो मुजारे में कुछ सोच विचार करने की जरूरत है क्योंकि समया की तरह से है रजिया तो हमें माजी से ही समझ में आने के लिए समया पर आएगा ठीक है, इसलिए इस पे हम वही नहीं करते। अब समया से बनता है यस माऊ और रजिया से क्या बनना चाहिए यरदाऊ, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर हम यरदाऊ करते हैं तो यरदाऊ तो बनेगा नहीं, यरदायू बनेगा। तो या जो है उसके ऊपर पेश अरबों को पसंद नहीं है, कोशिश करते हैं कि बचा जाए इससे, तो आसानी के लिए उन्होंने इसको यरदा कर दिया ठीक है। अब यह भी नोट कीजिए आप नफीसा की, ये भी जो यरदा का जो या है इसके नीचे भी नुक्ते नहीं है और ये भी अलिफ की साउंड दे रहा है तो यर द वो राजी होता है। जब यर द आ गया जब भी कभी चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे हो चाहे वो कोई सा भी टेंस हो उसमें जब आप देखें सॉरी ये क्या हो रहा है, जब भी आप ये देखेंगे उसमें आ रहा है आ की साउंड आती है तो उसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो वो औ की साउंड आएगी। जैसे यर गा है तो यर दूना नहीं होगा, इस सबको हमें वाओ को ऐड करना पड़ेगा साथ साउंड, जैसे ऐसे हो जाएगा औ ठीक है। वाओ लगाना है ना हमको जमा के लिए, यर दौना में ये वाओ आ रहा है ठीक है, तो ये द्वार जो है उसका साउंड जो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यर गा है तो यर दौना ठीक है। जैसे हमने हदा किया था ना तो हदा जब था इसमें भी साउंड है हदा, हदा की साउंड थी तो इसका जो प्लूरल था वो क्या था हदो,
हदू नहीं था ना, हदाऊ था, हदाऊ इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से दा जा था, दा का क्या था, दाऊ। जब भी आप अलिफ की साउंड मिले, चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे, अलिफ की साउंड सिंगुलर में आ रही है तो प्लूरल में औ की साउंड से आप उसको यरदाऊ, हदा हदाऊ, दा दाऊ। अब हदा का जो वो मुजारे था वो यहदी था, ठीक है, तो वो सिंपली यहदुना हो गया, उसको हमें आउट करने की जरूरत नहीं, वो यहदुना नहीं था क्योंकि उसका जो मुजारे था वो उसमें साउंड ई की आ रही थी, आ की नहीं आ रही, सिर्फ ये आ की साउंड के लिए है स्पेसिफिक। जब भी सिंगुलर आ या अलिफ पे खत्म होने वाली साउंड होगी, वेदर वो देखने में आपको या नजर आ रहा है कुछ भी नजर आ रहा है, बट इट साउंड लाइक आ, साउंड लाइक अलिफ, तो उसका जो प्लूरल है दैट विल बी आउट की साउंड के साथ, तो यर दा यर दाउना, तर दा आप राजी होते हैं, अर दा मैं राजी होता हूँ, तो अब तर दा था तो ये तर दाउना हो, जैसे यर दाउना था ऐसे ही तर दाउना हो गया, और नरदा तो ऐसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो ये साउंड्स का क्लियर हुआ आपको बात की, जब भी आ की साउंड आएगी आप उसे प्लूरल में औ की साउंड के साथ, एक मतलब और इसको दोहराते हैं, यर दो यर दौना, तर दो अर दो, तर दौना नर दो, जैसे यशमाऊ यशमाऊना था ऐसे ही यर दो यर दौना, दौना दाउना नहीं होगा दाउना, एक मतलब फिर दोहराया इसको, यर दो यर दाउना, तर दो अर दो, तर दाउना नर दो। जी इसको हम प्रैक्टिस करते हैं बोलचाल के जरिए, हल यर दो, क्या वो राजी होता है, तो नाम यर दो, यहाँ वो राजी, हल यरदाउना, क्या वो सब राजी होते हैं, नाम यरदाउना, जी हाँ वो सब राजी होते हैं, हल तरदा, जी बताइए आप राजी हैं, हल तरदा नाम अरदा, अगर राजी नहीं है तो क्या कहेंगे, लात अरदा, क्या ला अरदा, अरदा ठीक है, अब हम ला से आंसर करेंगे इसको, हल तर दौना, क्या आप सब राजी हैं, ला नर्दा, जो राजी नहीं है वो कह सकते हैं ला नर्दा, और जो राजी है वो कहें नाम नर्दा, और फिर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सब राजी खुशी रहने लगे। चलिए माजी मुजारे का टेबल आपको क्लियर हो गया, अब आइए अमर पर आने पर, अमर में क्या करते थे हम कि सबसे पहले मुजारे की निशानी को हटाना है, उसको हटा दिया, फिर एक हरकत कम करना है, उसको हमने सुकून देना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास हरकत के नाम पे दो हरकतें रखी हैं, ठीक है ना, दिस इज वन जबर प्लस दी अदर जबर, तो ये फिर हमको एक जबर निकाल देना है, ठीक है, एक को हम निकाल देंगे, एक जबर बचेगी हमारे पास इसके ऊपर, और अमर में क्या होता है कि जो कमजोर हर्फ होता है वो गायब चला गया, या को हटा दिया गया, पीछे बच गया ये रॉ जो कि साकिन है और दौर पे हरकत है, तो ये कि हमको एक टेम्पररी हमजा लाना पड़ेगी और इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि अरबी में आपको पता है कि सुकून से शुरू होने वाले वर्ड पसंद नहीं किए जाते, पढ़े नहीं जा सकते, तो कुछ लाना पड़ता है, अब कुछ क्या लेकर आएंगे, अल्फाबेट बाकी सबकी तो अपनी अपनी डिफरेंट साउंड होती है, तो हमजा जो है इसकी अच्छी साउंड होती है, सबके साथ ये मिक्स हो जाता है, तो हमजा को लाया जाता है, फिर हमजा को भी कोई हरकत देना जरूरी है, तो रूल ये है कि आपके फतह और दरबा और समय, इन पैटर्न पर आने वाले जितने भी अमर होते हैं उन सब में जो हमजा डाली जाती है उसके नीचे जेर, जेर वाली हमजा लाते हैं, जबर वाली हमजा नहीं आती, पीछे बच गया एक मासूम बेचारा नून, उस
उसके लिए जो अमर लाया जाता है उस पे हमजा पे पेश डाल और बकिया सब पे जो हमजा लाई जाती है उसमें जेर। तो आपको जब उसका मेन ग्रुप पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पे क्या आएगा, या इस लिहाज से इसका जो अमर है वो बन जाएगा इर्दा। ठीक है, अब हम में से नहीं खेचेंगे इर्दा, नहीं होगा ये इर्दा। एक मतलब ये राजी हो, ठीक है। तो इर्दा का मतलब है, इर्दा बिल्कुल साउंड लाइक इस्मा, तो इर्दा राजी हो। अब इर्दा इसमें भी जबर के साथ आ रहा है ना इर्दा, तो हम यहाँ पर भी इर्दा करेंगे, इर्दू नहीं होगा। ला तरदा मत राजी हो, ला तरदा तुम सब राजी मत, इर्दा राजी हो, इर्दा तुम सब राजी हो, ला तरदा नहीं राजी हो, ला तरदा तुम सब राजी नहीं। पहले वाले पे अमल करना है, इर्दा सब राजी हो जाए, इस वाले पे अमल नहीं करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अमर तो आसान होता है ना, वैसे भी ऑर्डर देना आसान होता है, करना मुश्किल होता है ना, देना बहुत आसान होता है। तो इसलिए अमर के जो चार वर्ड होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आइए हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल और इस्मुल मस्दर पर आते हैं, जो हमारे जो छह चाबियां हुआ करती हैं, उन छह चाबियों में से फेल की चाबियां हमने कर ली, अब हम इस्म की चाबियां कर लें। रादिन राजी होने वाला, मर्दियों जिससे राजी हुआ जाए, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं कि मैं ऐसे करूं, यानी कि मैं इससे राजी नहीं हूं, इसका ये मतलब। रिजाउन राजी होना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं अल्लाह की रजा से, वो अल्लाह की रजा होती है अरबी में बोलने पर, उर्दू फारसी में वो रजा हो जाए, तो रिजाउन। राबिन राजी होने वाला, मर्दियों जिससे राजी हुआ जाए, रिदा राजी। ठीक है, ये भी एक चीज है कि जो कमजोर अफाल आपको मिले हैं दा पैटर्न पर आने वाले हैं और जो इस पर आ रहे हैं हदा पैटर्न पर आ रहे हैं, इन सब में एक खास बात है कि जो ये इसके इस्मुल फाइल हैं उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है दूसरे इस्मुल फाइल से। जैसे नसरा से हम नासिरुन करते हैं वो सब सही है, कमजोर वाले जो होते हैं, अब जो रदिया पैटर्न पे जितने आ रहे हैं उन सब के भी इस्मुल फाइल इस पैटर्न पर आएंगे। राबिन दा वाले का हम क्या करते हैं, राइन। इसी तरह से खला का क्या था, खालिन। खला का तालिन। फिर हमने हदा सीखा था, हदा का था हादिन। इसी तरह से जजा का था जाजिन, जरा का था जारिन। तो इस तरह से इस पैटर्न पर आने वाले जो फेल होते हैं उनके जो इस्मुल फाइल हैं ये इस सूरत में आते हैं, हम इसे दाउन नहीं कह सकते, दाउन नहीं बुलाया जाता। खालुन तालुन हादुन बाकी सबको तो हम उन उन से बोलते हैं, इसको हम इन स्पेशल ये अफाल है इनको हम इन इन से बोलते हैं। रादिन दाइन खालिन तालिन हादिन जाजिन जारिन। तो रादिन राजी होने वाला, मर्दियों जिससे राजी हुआ जाए, और रिदा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी समझ आ गया सबको। अब मोनस रह गई हमारी, उन्हें भी जो राजी करें वो भी राजी हो जाए तो अच्छी बात है के लिहाज से। तो उसका रूल क्या है कि जो भी माजी का आपका पहला वर्ड है उसमें आपने साकिन ता लगानी है,
वरदिया या रदियत, वरदिया या रदियत लेफ्ट हैंड से हुआ, हुआ रदिया राइट हैंड से और हिया रदियत लेफ्ट, हुआ यरदा तो हिया तरदा, हिया तरदा वो राजी होती है, एक अंधा तरदा भी होता है कि आप राजी, दोनों में फर्क है। अंधा तरदा का मतलब है आप राजी होते हैं, जबकि हिया तरदा का मतलब है वो राजी होते हैं। अब हिया या अंता इसके साथ में नहीं लगा हो तो इससे मुराद दोनों ली जा सकते हैं, और ये आप पहचान लेंगे टेक्स्ट से कि यहाँ पर हिया की बात है या अंता की बात है, वो मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब समझते हैं कि जब आप आयत पढ़ेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे आपको समझ आ जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी इन फ्रंट ऑफ यू, you have done this thing or you are doing something or she is doing this, ye aapke liye mushkil hai. So hua radiya ya radiyat, hua yarda ya ta. Table hamara jo hai wo ab alhamdulillah complete ho gaya. Ab hum is pure table ko ek sath revise karte hain sab mila. Aap sab log mic band rakh ke aur ishaaron ke sath isko practice kare inshaallah, to सब ठीक हो जाएगा और अल्लाह ताला भी हमसे राजी होंगे। आज हम अल्लाह को राजी करने वाला वर्ड वर्ड जो है राजी को सुन रहे हैं। रदिया आई थिंक वी डोंट नीड टू ट्रांसलेट इट एनीवे, अब आपको पता है कि क्या मतलब है। तो रदिया रदु रदिता रदितु रदितुम रदीना यर्द यर्दौना तरदा अर्द तरदौना नर्द इर्द इर्दौ ला तरदौ रादन मरदीयुन रिदाउन हुआ रदिया हिया रदियत हुआ यर्दा या तरदा। जी ठीक है, सबको समझ आ गई, दोहरा लिया सबने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने दोहरा लिया। अब ये छह चार्टों को देख लीजिए, जो शॉर्ट टेबल हम इसका बनाएंगे वो क्या होगा, रदिया यर्दा इर्दा रादन मर्दियन और रिदान। आखिरी तीन जो है ये हमारे हैं अस्मा या फिर, और इनके साथ वही सुलूक होता है जो बाकी अस्मा के साथ हम कर सकते हैं, यानी इन पे तनवीन भी आएगी, इन में अलिफ लाम भी आ सकता है, इनकी जमा में ऊना ईना भी आ सकती है, इसी तरह मुन्नस भी इनकी बनाई जा सकती है वो ताके दाके के साथ, और जमा मुन्नस अलिफ और लंबी ताके दाके के साथ। इसम पे जितने रूल्स अप्लाई होते हैं वो इन तीन ब्लू जामियों पर अप्लाई होते हैं और तीन हमारी फेर की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, इसके बाद हम दूसरे रदिया स्टाइल पर आने वाले दूसरे अफाल को देखेंगे। तो रदिया तो हो गया, ठीक है रदिया यर्दा यर्दा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फेल है वो है नसिया, नसिया का मतलब है वो भूल गया। ठीक है, नसिया का टेबल कौन ट्राई करना चाहेगा इसकी रोशनी में, रदिया की रोशनी में? यस एनी वॉलंटियर, बिल्कुल रदिया की तरह है। मैं करूं? बिल्कुल करें। नसिया चलिए शॉर्ट टेबल करें, जी शॉर्ट टेबल ही करते हैं आपको, नसिया नसिया यंसा इंसा नासिन मंसियुन निसियानुन। निसियान निशान का मतलब होता है भूलना, ठीक है तो नहीं था ना, आपको एक पता है अच्छा पता है। अच्छा नेक्स्ट है खशिया, खशिया का मतलब है वो डरा, खशिया का कौन करेगा अब कोई और बताए जल्दी जल्दी, वो तीन टेबल है ज्यादा नहीं है सबकी बारी आ नहीं सकती, नहीं किसी और को चांस देते हैं जी, कौन बोलेगा? खशिया यक्षा इक्षा
हाशिन मनशियुन खिशानुन खिशानुन या खशियातुन खशियानुन ठीक है खशियातुन और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर खशियत जो दूसरी होती है ना खुशू वाली वो खुशू होती है वो खशा होती है आयन के साथ खशा तो ये डिफरेंट है ये वो डरा वो खुशू वाला डरना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डरना होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ डरना तराजिम में हमको उसका मतलब भी डरना मिलता है उसका मतलब भी डरना खशिया यक्षा यक्षा काशिन अच्छा एक रह गया इसमें लकिया लकिया कौन करेगा भाइयों में से कोई आएगा सामने भाई भाई लोग चुप करके बैठे होते हैं क्लास में जी मैं कर लेती हूँ आप कह दो इजाज साहब ने हाथ उठाया है जी इजाज साहब आप करना चाहते हैं कीजिए लकिया जी आप करेंगे या गलती से बटन अस्सलाम वालेकुम वानी यार मैडम मैं करवा रहा था मुझे नहीं अनम्यूट नहीं कर सकता था लकिया जी यलका इलका लाकिन मुल्किन लिका मलकियन होगा मलकियन पे जबर देखते मफूल का पैटर्न है मीन पे जबर रहती है तो इसके जो इसमें मफूल है वो मक्षीन सॉरी मलकियन होगा और ठीक है लकिया का मतलब होता है वो मिला ठीक है लकिया मुलाकात वाला जो वर्ड आता है ना वो भी यही रूट लेटर्स है ये भी वो डिफरेंट ग्रुप है डिफरेंट उसका सारा सीन है लेकिन मफहूम जो उसका भी यही होता है तो लकिया वो मिला यलका इलका लाकिन मिलने वाला मलकियन जिससे मिला जाए और लिकाउन मिलना या मुलाकात तो ये हमने रजिया पे आने वाले आप माइक बंद कर लीजिए किसी का माइक ऑन है रजिया से मिलते जुलते सिमिलर साउंडिंग हमने वर्ड्स कर लिए नसिया खुशिया और लखिया इनका सबका पैटर्न स्टाइल दे दिए अब अब्दुलरहमान आपका माइक है अब्दुलरहमान आपका माइक है कौन बताएगा ये हम सब राजी हुए हम सब राजी अभी तो सब कह रहे थे सब राजी हैं अब कोई बोल ही नहीं रहा हम सब राजी हुए कि अभी बताए रजीना रजीना गुड वेरी गुड वो सब भूल गए नसू ठीक है उर्दू में तर्जुमा कीजिए यन सौना अन फुसाउ यन सौना अन फुसाउ वो सब भूलते हैं उनके नफ्स को ठीक है अगर हमसे मुझे बताए वो सब भूलते हैं उनके नफ्स अपने आप को तो मतलब ये कि वो सब भूलते हैं अपने आप को हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि मैं लाई अपनी किताब या वो लाया उसकी किताब या आप आए अपनी किताब के साथ हम कहते हैं आप अपनी किताब लाए अपना क्या तो अपने का वर्ड तो यन सौना वो सब भूलते हैं या भूल जाएंगे अपने आप को अपने लक्ष्य को इर्दा अन इब्निका जोड़ के पढ़े तो अनिब्निका इर्दा अनिब्निका इर्दा का मतलब राजी हुआ राजी तो जो हो ऑर्डर है राजी हो अपने तरफ से अपने बेटे से अच्छा बेटे से बेटा है इब्न है
अर्जी में जवाब हम दे चुके हैं हाँ दादी तुम, क्या आप सब राजी हुए? नाम ददीना। और अरबी में हम नफी में जवाब देंगे हल तन सल्लाह, उसका क्या मतलब है? हल तन सल्लाह, हल तन सल्लाह, सॉरी, क्या आप अल्लाह को भूलते हैं? भूल गए जी, भूले आप अल्लाह को? ला ला ना, नाम नहीं, ला ला ला, ला, ला अन सल्लाह, ला अन सल्लाह, क्योंकि अल्लाह को है, को का वर्ड अरबी जबान में नहीं होता, उस को हम उस वर्ड पे जबर से जाहिर करते हैं, ये को जो है ना, ये इस को हम जबर से जाहिर करते हैं जब किसी को कुछ किया करते हैं, ठीक है, ऐसे वर्कबुक में हमने अब खशिया का टेबल बनाना है पूरा पूरा, तो खशिया का टेबल कोई कर ले जल्दी से जब तक अगले लेसन की साइड पर जाते हैं, खशिया का पूरा टेबल करना है, कौन करेगा? मैं करूं? करें करें करें, जब तक अगली साइड तक आते हैं खशिया का टेबल। खशिया, खशु, खशीता, खशीतु, खशीतुम, खशीना, यक्षा, यक्षौना, तक्षा, अक्षा, तक्षौना, नक्षा, इक्षा, इक्षौ, लातक्षा, लातक्षौ, खाशिन, मक्षीयुन, खशियत, खशियत, हुआ खशियत, हियत, तक्षा, हुआ खशिया, हिया खशियत, हुआ तक्षा, हिया तक्षा, हुआ यक्षा, हिया तक्षा, जी हुआ यक्षा, कोई नहीं, ये हो जाता है जबान, वो हम तेजी तेजी से बोल रहे होते हैं ना, तो हमारी जबान जो है वो लड़खड़ाती रहती है, कितनी स्पीड से जल्दी जल्दी से बोलना होता है, तो उसकी कोई बात, लेकिन एज फार एज समझ आ गई है तो ठीक हो जाता है। अच्छा आ जाए अपने लास्ट लेसन के लास्ट पार्ट पर, 5D की ग्रामर करेंगे और इसमें हम छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें करेंगे, तो नीड योर अटेंशन, अलर्टनेस, टूटी हुई जमा का इरादा है, ये तो बहुत आसान चीज है, हम बहुत मतलब कर चुके होते हैं, तो टूटी हुई जमा कौन सी होती है? जिसमें वाहिद जो है वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं होता, मौजूद तो होता है ऑब्वियसली, वही वर्ड्स होते हैं जो मौजूद होते हैं बट अपनी शक्ल में मौजूद नहीं, ये तो पता है कि जमा दो तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया, ये सालिम जिसके एंड में हम वाउनून और यानून जोड़ते हैं, जैसे मुस्लिमून से मुस्लिमीना और मुस्लिमीना थी, और जमा मुकस्सर या टूटी हुई जमा वो होती है जिसमें वाहिद अपनी असल हालत में मौजूद नहीं होता, यानी उनके वर्ड्स मौजूद होते हैं, अमलून की अमालून है, अब इसमें अमलूना या अमलीना नहीं होगी बल्कि अमालून होगी, सीधा से कल्बुन की कुलबुन होगी, काफ लाम बा मौजूद है लेकिन कल्ब से कल्बुना या कल्बीना नहीं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं, तो इसके हम थोड़े से पैटर्न करेंगे, पहला वाला जो पैटर्न है टाइप वन जो है सबसे ज्यादा कॉमन है और इसी के ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो इसी के हम ज्यादा इसको फोकस किया है, अमलुन की जमा अमालुन, उर्दू में भी हम इसी पैटर्न पे कई हमारी जमा आती हैं, तो इसलिए हमें आसान लगेगा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का तारमदार नियतों पर है, फिर है बसरुन यानी के अबसारुन की जमा हो जाएगी, वाला अबसारहिम गिशावा और आंखों पर है पता, मसलुन मिसाल को कहते हैं, अमसालुन की जमा है, हमारे पास सैंपल है इसका, तो समथलहुम कमथलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल उस मिसाल की तरह जैसा कि किसी ने आग जलाई, नूरुन रोशनी की जमा है, अनवारुन, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम ले गया अल्लाह उनकी रोशनी, ये देखिए मैं आपसे पीछे कह रही हूँ वो तनसल्लाहा था कि अल्लाह को भूलना, जब को का वर्ड यूज करना होता है तो हम जबर से उसको जाहिर करते हैं, और जब ने का वर्ड यूज करना होता है कि किसी ने कुछ किया है
तो उसके लिए हम पेश यूज करते हैं। यहाँ पर है दहब लाहू बिन हो रहे हैं, अब इस पे लिखना चाह रही हूँ और लिखने वाला ऑप्शन कहाँ था। जैसे तन से अल्लाह था ना, अल्लाह था लिखा हुआ, तो अल्लाह लिखा होगा तो ये अल्लाह हो होगा, ठीक है। और जब अल्लाह होगा तो अल्लाह ने होगा, तो ज़हब अल्लाह बिन उरेम तो ले गया अल्लाह उनका नूर, ठीक है। वो स्लाइड उधर हो गई है लेकिन मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, तो आई होप समझ आ गया, ठीक है। अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह को, अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने, जुमले में आप देखेंगे तो फिर आपको इसका सही है वो समझ आ जाएगा। निदुन की जमा है अंदादुन, निदुन की जमा अंदादुन यानी शरीक। फला तज अलू बिल्लाही अंदाद, बस ना तुम सब बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक। नहरों की जमा है अनहारुन, तो हमने लेसन्स में हम करते आ रहे हैं तो इसलिए इनको हम जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उनके लिए है उसमें पाकीज़ा बीवियां। लुबुन की जमा है अलबाबुन यानी कि अकल। यदब्बरू आयातिही वलियतदक्करा उलुल अलबाब, ताकि वो सब गौर करें उसकी आयात पर और ताकि वो नसीहत पकड़ें अकल वाले। रब्बुन की जमा है अरबाबुन, रब कहते हैं पालने वाले को, अरबाब जो है उसकी जमा है। तो रब का माना जो है वो हम ऑब्वियसली अल्लाह ताला के लिए तो इस्तेमाल करते हैं रब को, लेकिन अरबी जबान में रब जो है वो हेड के लिए भी यूज हो जाता है, जो हेड ऑफ द फैमिली भी होता है उसके लिए भी यूज हो जाता है, हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो आपके मालिक होते हैं, जो आपके जिनके अंडर आप काम करते हैं उनको भी अरबाब इख्तियार, जी जी अरबाब इख्तियार जो यूज करते हैं। तो बिल्कुल ये वही वर्ड है, और रब कौन है जो मोहब्बत के साथ सबका ख्याल रखता है। डज एनीवन नो व्हाट डू वी कॉल हाउसवाइफ इन अरबी? अरब वर्ल्ड में जो है वो हाउसवाइफ को रबतुल बैत कहते हैं। जी रब, मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग इसको लिखते कैसे हैं। रबतुल बैत यानी कि घर की, घर में सबका मोहब्बत से ख्याल रखने वाली। अब हाउसवाइफ वैसे भी उसको कहते हैं कि हाउसवाइफ की जगह पे आप होम मेकर का वर्ड यूज कीजिए, दैट साउंड्स बेटर। तो सीधा से कलामुन की जगह होगी अकलामुन, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो जिसने सिखाया हमको कलम से। ये सबसे ज्यादा यूज हुई है इसीलिए देखिए सबसे ज्यादा आप यूज हुई। फौजुन अफवाजुन हमको आता है, यौमुन अय्यामुन वेरी इजी। मैयतुन की जमा है अमवातुन, क्या मौत की जमा अमवातुन नहीं हम अरबी में कहते, मैयत एनीथिंग डेड इज मैयत, मैयत की जमा है अमवातुन। वकुंतुम अमवातन अहयाकुम, और तुम थे बेजान बस उसने जिंदा किया तुम सबको। शयुन की जमा है अशियाउन, तो उर्दू का वर्ड है हमारा इस्मुन की अस्माउन, और अतुफुन की आदाउन, आज ही हमने किया है ये बादुकुम लिबादिन अतुफुन, तुम में से बाद बाज के लिए दुश्मन है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आपस में दुश्मन है। उसके बाद है टाइप टू, टाइप टू भी हमने बहुत मतलब की हुई है वेरी इजी। ये अब्दुन की जमा है लिबादुन, इस पैटर्न पर आ रहा है। तो दमुन की जमा है दिमागुन यानी कि, यश्विकु दिमाग
और वो बहाएगा खून को। अब मैं आपको जबर और पेश वाला जो बता रही थी ना, तो दिमाग पे जबर है, इसका मतलब है इसको कुछ किया जा रहा है, इसको बहाया जा रहा है। तो जमा आती है, बहुत सारा खून इसकी मुराद है, लेकिन हम खूनों नहीं कहते ना, खूने बहाई जाएंगे, खून ही बहाना कहते हैं, चाहे वो बहुत इतना सारा खून हो, दिमाग खून बहाएगा। लेकिन इसको जमा के जब बहुत ज्यादा खून की बात होती है तो यूज किया जाता है दिमाग का वर्ड अरबी में, उर्दू में हम इसको खून ही कहते हैं। इसी तरह कलबुन की जमा कुलूबुन है, इस पैटर्न पर आने वाले भी जन हमारे इसमें कलबुन से कुलूबुन खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने, तो ये खत्म अल्लाहु है, मैंने ये मोहर लगाई है अल्लाह ने, खत्म अल्लाह नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब जाएगा अगर हम खत्म अल्लाह कहेंगे तो इसका मतलब है खत्मा उसने मोहर लगाई अल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह पर, ये मतलब अल्लाह ने मोहर लगाई है तो खत्म अल्लाह। फिर है सदरुन, सीना को कहते हैं, सुदूरुन सीने हो गए, सुदूर तो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वो जिसने वसवसा जो डालता है इंसानों के दिलों में। मलिकुन की जमा है मुलूकुन, मलिकुन बादशाह, मुलूकुन बहुत सारे बादशाह, मलिकुन्नास इंसान पढ़ते हैं। अब मलकुन की जमा भी आएगी, मलकुन की क्या जमा, मलिकुन की तो हो गई मुलूकुन, और मलकुन की मलायकत अभी आगे आने वाले। चौथा पैटर्न है हमारा शहीदुन, तो याद रखिए शोहदा इस पैटर्न पे आएगा। तो रहीमुन की जमा हो जाएगी रहमाउ, इसी तरह से शरीक की जमा, शरीक की जमा शुरकाउ, और सफीहुन की जमा सुफहाउ, ये हम सब कर चुके हैं पहले लेसन में, जितनी वाहिद जमा हमने हर लेसन के एंड में किए ये सब इकट्ठी करके गई है हम पैटर्न्स, पैटर्न वाइज ना ये किस किस पैटर्न पर आ रहा है। नफ्स की, नफ्सुन की जमा है अनफुसुन, वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, और वह नहीं धोखा देते हैं सिवाय अपने आप के या अपने नफ्स के। सायकतुन एक और पैटर्न है, सायकतुन की जमा है सवाइकुन, सवाइकुन, यजअलूना अस्वाबिहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइक, डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में इसके कड़क के गरज के डर से। सायकतुन की जमा है सवाइकु। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है नबीयुन के अंबिया, नबी की जमा जो है वो दोनों तरह से आती है, नबीहीना भी होती है और नबीहुना भी होती है, यानी कि सालिम भी होती है और मुकसर भी होती है। कुछ ऐसे हैं इसम जिनकी जमा दोनों तरह से आती है, जैसे काफिरुन है उसकी भी जमा दोनों तरह आती है, कुफारुन भी होती है और काफिरीना और काफिरुना भी। अंबिया नबी से नबीयुना, नबीहीना और अंबिया दोनों आती है। उकदतन, उकदतन से उकदुन और सूरतुन से सुबरुन, ठीक है ये इसकी जमा है। खलीफतुन की जमा है खलाल, खलीफातुन खलाइफ, उसकी एक और जमा भी आती है खुलफा, दोनों तरह से आता है ये, तो खलाइफ भी इसकी जमा है। दसवां पैटर्न है हमारा इंसान, इंसानुन उसकी जमा आती है अनासिन और नासुन, दोनों तरह से उनास की यूज हुआ है, अनासिन की जमा है। फिर ग्यारहवां और आखिरी जो पैटर्न है हमारा वो है हजरुन से हिजारतुन, तो हजरुन एक पत्थर है और हिजारतुन बहुत सारे पत्थर है। वुजूहन नासु वल हिजारत, ईंधन है उसका इंसान और पत्थर, इंसान और पत्थर उसका ईंधन। तो ये हमने जमा कर ली, बहुत आसान थी, अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट थोड़ा सा अटेंशन के साथ आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फौरन समझ में आ जाएगा। पहले मजबूर या पैसे वर्ड, एक्टिव होता है जिसमें हम काम करने वाले का हमें मालूम होता है और वो उसमें मेंशन किया हुआ होता है,
सेंटेंस में उसको मेंशन किया था। जब काम हो जाता है, कोई काम होता है और काम करने वाले का हमें मालूम नहीं होता, एक्चुअली हमें मालूम तो होता है बट उसको मेंशन नहीं किया गया होता, तो हम कहते हैं कि वो फेले मजबूर है या वो पैसिव फॉर्म है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अब्दुल रहमान ने दरवाजा खोला, अब यहाँ पर हमें पता है कि दरवाजा अब्दुल रहमान ने खोला, हमने अब्दुल रहमान को मेंशन कर दिया जुमले में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दरवाजा खोला गया, तो इस सेंटेंस में दरवाजा खोला गया में खोलने वाला मेंशन नहीं किया गया, तो हम इसे कहेंगे दिस इज पैसिव। वो वी नो कि हु ओपन द डोर, बट दैट पर्सन हु हैज डन समथिंग इज नॉट मेंशन इन द सेंटेंस, टू बी कॉल इट पैसिव वॉइस। हमने स्कूल में भी किए हैं ना एक्टिव पैसिव, तो ये वही चीज़ है, वही फॉर्म। सिर्फ जो थोड़ी सी चेंज आएगी उसको हम नोट करेंगे। जो फेल अब तक हमने पढ़े हैं जिसमें हमें पता होता है कौन कर रहा है, करने वाला मेंशन होता है, उसको कहते हैं फेल मारूफ, और जिसमें काम करने वाले को मेंशन नहीं किया जाता उसको कहते हैं फेल मजबूर। दैट्स द डिफरेंस, मजबूर पैसिव है और मारूफ एक्टिव है, जिसमें हमको पता है। इसको थोड़ा सा रिवाइज एक दफा देख लेते हैं हम। नसरा को हम सीखेंगे, नसरा का मजबूर, तो नसरा उसने मदद की, नसरू सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। फिर यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरू अनसुरू, तनसुरूना और ननसुरू, और हुआ नसरा था तो किया नसरत, हुआ यंसुरू या तनसुरू, ये एक्टिव फॉर्म है जिसके टेबल आठ तक हमने। अब हम आएंगे पैसिव पर। पैसिव में थोड़ी सी चेंज आएगी, थोड़ा सा हाथ का इशारा आपका चेंज होगा। नसरा से पैसिव बनेगा नुसीरा, ठीक है। नसरा से हम बनाएंगे नुसीरा, तीन हमारे लेटर होते हैं और सारे को हम या लगा देते हैं और या के बाद हम बनाएंगे। तो जो इसमें चेंज आएगी उसको आप नोट बहुत आराम से कर सकते हैं कि नसरा था ये हो जाएगा नुसीरा, नुसीरा। अब इशारा आपका नसरा के लिए, तो आपने ऐसे उंगली सीधी रखी थी ना, मैं उंगली ऊपर रखूंगी ताकि आप लोग सब देख सकें, लेकिन इशारे की जगह ये है। नसरा में हमने यूं किया था कि उसने मदद की, अब हम उसको यूं कर देंगे। ऐसे था पहले नसरा, उसने मदद की, अब इसे हम कर देंगे उसकी मदद की। ऐसे जैसे आता ना लेने वाला हाथ, जो काम किसी के साथ कर दिया गया, मदद कर दी गई उसकी, तो जैसे हमने एक्टिव में किया था मदद करने वाला और जिसकी मदद की, तो इसी पोजीशन में ऐसे करके एक कर देंगे कि उसकी मदद की एक, ठीक है। नुसेरा है तो नुसेरू हो जाएगा ऐसे ही, और इसी तरह से आपकी भी चूंकि मदद की गई तो आपकी तरफ जाएगा इशारा, तो उनकी ऐसे ही रहेगी नुसरा, नुसरता आपकी मदद की गई। अब नुसरतू है ऐसे करके, मुश्किल हो रही ना हाथ को यूं करने में, लेकिन थोड़ा सा घुमा लेंगे, अपनी मदद करना थोड़ा मुश्किल होती है, दूसरे की मदद करना आसान होती है। मेरी मदद की गई, इसी तरह से नुसरतुम आप सबकी मदद की गई, और नुसरना हम सबकी मदद की गई या हमारी मदद की गई। तो इसकी साउंड चेंज होगी। आखिरी जो हरकत है मफूल का, मजूल का जो रूल है वो ये है कि आखिरी हरकत आपने नहीं चेंज करनी, वो वही इसकी ही रहेगी। सेकेंड लास्ट को इसमें हम इंग्लिश की साइड से चलेंगे, इधर से नहीं चलेंगे। मजूल की जो हरकत हैं उनको समझने के लिए हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जैसे हम इंग्लिश में जाएंगे। लास्ट हद तक विल रिमेन द सेम, नसरा था तो नुसरा रहा, वो रहा। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट है उस पर आ जाएगी जेर, ठीक है। सेकेंड लास्ट पर आएगी जेर, और जो फर्स्ट वाला है उसके बाद सेकेंड लास्ट के बाद जितने बचते हैं पीछे, अभी तो हम फर्स्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि एक ही हमारे पास, उस पर लगेगी पेश।
तो पेश से आपको ये याद रहेगा कि पेश से जो है माजी कोई नहीं शुरू होता। अगर आपको पेश से माजी शुरू होता नजर आएगा तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि क्या उसके बाद उसकी लास्ट हरकत जो है वो भी वो जबर है और दरमियान वाली उसकी हरकत जेर है तो फिर वो मजबूरिया पैसे। तो नसरा से नुसेरा, नसरा उसने मदद की, नुसेरा उसकी मदद की। इसी तरह अब जब हम मुजारे बनाएंगे उसका, तो मुजारे में हमारा क्या रूल था कि जो भी मुजारे की अलामत है उस पर हमको जबर लगानी होती थी। जो नॉर्मल मुजारे था हमारा नसरा या सुरू था। तो ये हो जाएगा, इसको भी हम पीछे से लेके चलते हैं, नसरा या सुरू। तो लास्ट हरकत इसकी भी नहीं चेंज करनी, तो भी नहीं चेंज, ठीक। और जो इसका सेकंड लास्ट है उसमें सेकंड लास्ट पे जेर थी, इसमें हम सेकंड लास्ट पे जबर लगा दें। यानी शुरू की सूरत में सेकंड लास्ट पे पेश थी, लेकिन अब हम उसको जबर से चेंज करें। जी सब गौर से सुनना है लगता है। और पहली हरकत पे हम जो अलामत की मुजारे की उस पर हम लगाते थे जबर यन सुरु, अब इस पर हमको पेश लगाना है यन सर। तो जो पहला वाला हमारा वर्ड होता है वो तो साकिन होता है, ये हमारा जो फा कलमा जिसे कहते हैं हमारा साकिन होता है मुजारे की। तो यन सुरु से यन सर थोड़ी सी जबान को पेश करना है, इशारा भी इसका यूं था तो थोड़ी सी उंगली हो जाएगी कि उसकी मदद की जाती है, उन सब की मदद की जाती है। जुन सरू, जुन सरूना, तुन सरू, आपकी मदद की जाती है, उन सरू, मेरी मदद की जाती है, तुन सरूना, आप सब की मदद की जाती है, और नन सरू, सॉरी नुन सरू, हम सबकी मदद की जाती है। तो जुन सरू, जुन सरूना, तुम सरू, उन सरू, तुम सरूना, नुन सरू। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या, या सरसराहट सी हुई थी? आप लोग बता दीजिए मुझे कि यहाँ तक आपको समझ आ गया जो चेंज हमारा आ रहा था मजूर के हवाले से। जी ठीक है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो ये फर्दर इसकी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। मिसालें देखें आप, जैसे साला अभी हमने किया ना, नसरा से नुसेरू, साला से सुबेरू, रजाकू, उन सब ने रिस्क दिया, रुजेकू, हाथ को भी ऐसा कर दीजिए और चेंज हो गया, रुजेकू, वो सब रिस्क दिए गए। दराबत मुन्नस की प्रैक्टिस हो जाएगी, दराबत उस मुन्नस ने मारा, दुरेबत उस मुन्नस को मारा गया, ठीक। इसी तरह रजक ना, हम सब ने रिस्क दिया, और रुजक ना हो जाएगा तो हम सब रिस्क दिए गए, पैसे फॉर्म में इस तरह से। काला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काला का मतलब था उसने कहा, और कीला वो कहा गया। अब जो है इसको कुइला बोलना मुश्किल था, तो कुइला अजीब सा लगता और आसान भी नहीं होता, कीला बोलना बहुत आसान है, वो कहा गया। वैदा कीला लहुम, और जब कहा गया, इज़ा की वजह से हम कहते हैं जब कहा जाता है उनसे, अदरवाइज कीला का मतलब होता है कहा गया, वो आला उसने कहा, और कीला जो उसने कह दिया, यानी कि जो इसमें मकूल वाली क्वालिटी पाई जा रही होती है। मकूला क्या होता है, जो कहा गया, अकीला क्या है, कहा गया, तो दे मीनिंग इज सिमिलर। तो ये माजी की मिसाल है, माजी की मिसाल जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। मुजारे में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जबान में, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आसान लगेगा आपको, क्योंकि ये अल्फाज भी बहुत आते हैं कुरान में। याखुजू का मतलब होता है वो पकड़ता है, युफजू वो पकड़ा गया, ये वो पकड़ा जाता है, हम ये ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह से यस्कुरु वो याद करता है,
को यूज करूं वो याद किया जाता है। तस अलू, आप पूछते हैं, ठीक है, तो तुस अलू आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आप पूछे जाते हैं। इसी तरह से तसा अलूना, तसा अलूना हम कहते हैं आप सब पूछते हैं, तो तुस अलूना आप सबसे पूछा जाएगा, आप सब पूछे जाएंगे जी। इसी तरह से तर्जेउना, आप सब लौटते हैं या लौटेंगे। तुर्जेउना, आप सब लौटाए जाएंगे। तामरुना, आप सब हुक्म देते हैं। तोमरुना, आप सब हुक्म दिए जाते हैं या आप सबको हुक्म दिया जाता है या आप सबको हुक्म दिया जाएगा। Do you note the difference? And you understand it or not? डॉक्टर कक्षंदा, ये पूछना था इसमें झटका नहीं आएगा थोड़ा सा, ता मुरुना जी इसमें आ जाएगा, ता मुरुना में भी आ जाएगा या कुकु में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमजा है। तसलुना में भी आ जाएगा, तसलुना में नहीं आएगा, तसलुना में नहीं आएगा, क्योंकि तसलुना में जो हमजा है वो साकिन नहीं है। जहाँ पे हमजा साकिन होगी वहां पे हल्का सा झटका आएगा। ये तजवीद के लिए इस वक्त हम उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते, वो तो आप जब पढ़ते हैं तो आप खुद ही उनका ख्याल कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। या खुद है तो यू खुद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रक्षा, कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन डेफिनेटली। हां लेट्स से डॉक्टर रक्षा, थैंक यू वेरी मच, इट्स टू मी इट साउंड्स क्वाइट इजी, मतलब इजी इन द सेंस के जो आपने पूछा ना डिफरेंस नोट किया, अदर देन वन I notice के सब में स्टार्टिंग में पेश लग रहा है फॉर द पैसिव वॉइस। तो अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ और ऐसा वर्ब मुझे मिलता है जो पेश से स्टार्ट होता है, इमीडिएटली इट विल स्ट्राइक माय माइंड के ये पैसिव वॉइस पे बात कर, ठीक है ना, क्योंकि हम तो कुरान से पढ़ रहे हैं। कीप अ विंडो, कीप अ विंडो ओपन फॉर एक्सेप्शन। हाँ सही है, there are certain words, there are certain verbs from different groups, बिल्कुल इसे नजर आते हैं, एक काला एक्सेप्शन ऑलरेडी नजर आ गया, तो देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शन। हां बट रूल्स आर फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, रूल्स आर फॉर 99% एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर 1%। वो थोड़ा सा उस तरह से सिंपल हो जाता है और करने के लिए व्हाइल यू आर रीडिंग ऑन डिसाइड कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू बी अ पैसिव वॉइस, इट इज गोइंग टू बी, वो आपको मिल जाएगा मीनिंग से, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। हां क्या ठीक है, It's interesting. अच्छा अभी टूटी हुई जमा का याद है कि हम कर चुके हैं सारी, तो ये आपको वर्कबुक में करना है होमवर्क है आपका। इसी तरह से नसरा की तरह से ही खलका का है, इसकी हम मजूल की गर्दान चले इसको कर लेते हैं इंटरेस्टिंगली सबके साथ मिलकर हम सब, तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये खुलका है, ठीक है, खुलका वो पैदा किया गया, खलका उसने पैदा किया, खुलका वो पैदा किया गया। जल्दी जल्दी से बता देते हैं मुझे इसका अगला, खुलका के बाद क्या आएगा? खुली को, बिल्कुल ठीक बोले, मेरे लिखने की स्पीड कम हो गई, आप लोग जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। खुलिकता, खुलिकतु, बिल्कुल सही, खुलिकतुम जी, खुलिकना और खुलिकत, ठीक है। युखलकु, युखलकुना, तुखलकु, उखलकु, तुखलकुना, नुखलकु, मैं उंगलियां टेढ़ी करना भूल गई, ठीक है, और हुआ युखलकु तो हिया तुखलकु, हिया तुखलकु। अच्छा जी ये क्या, ये कहाँ गए तुमने, की इसमें काय का रस्म को कहाँ, इसका इसमें काय इसमें मफूल नहीं होगा, छुट्टी, ये दो चीजें नहीं पढ़नी, इसलिए कि हमने फेले मजहूल होता ही वो फेल है जिसमें उसका इस्मुल फाइल जिक्र नहीं किया जाता, मेंशन नहीं करते हम उसको, इसलिए वो मजहूल कहलाता है। अदरवाइज उसको अगर हम जिक्र कर देंगे तो फिर तो वो मारूफ बन जाएगा ना, उसमें तो जान गए हम कि कौन कर रहा है। तो मजहूल की ब्यूटी यही है कि उसमें हमें करने वाले का पता ही नहीं है कौन करने वाला है, That's the beauty कि आपको इसका इस्मुल फाइल और इस्मुल मफ़ऊल नहीं है।
कि ये छुट्टी हो गई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमारा लास्ट लेसन का लास्ट पोर्शन ग्रामर का 5D का वो भी खत्म हुआ और ये कोर्स पढ़ने की हद तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो आप लोगों ने अब नेक्स्ट कोर्स के लिए तैयार रहना है और बड़ी खुशी होती है, बड़ी अचीवमेंट फील होती है जब आपको ये पता चले कि आपको इतना सारा आता है। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट कोर्स भी कर लेंगे, पीसीटी करने के बाद आपके लिए कुरान की हर लाइन में सिर्फ एक नया लफ्ज होगा, सिर्फ एक आउट ऑफ 9 यू विल नोइंग 8। तो पूरे सफ़े पर आपके लिए कितने अल्फाज बचेंगे नए, कितनी सतरें थी हमारे पास, 15, और 15 में से सब में एक 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 आता होगा तो 15 अल्फाज आपके लिए नए हुआ करेंगे नेक्स्ट कोर्स के बाद। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने सूरह बकरा की तरतीब को जारी रखने पड़ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये ऐसा होगा। तो ये आप सैंपल देख सकते हैं, नेक्स्ट जो पेजेस हमारे आएंगे उसमें कितने आपके लिए नए अल्फाज होंगे, पूरे सफ़े पे 17, पूरे सफ़े पे 8, पूरे सफ़े पे 16-12। तो ये लगता है ना कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीख लिया है, ऐसा ही है। तो अपने आप को शाबाश दीजिए, कोई और नहीं आके देगा आपको शाबाश, आपको खुद शाबाश दीजिए, वेल डन, आई हैव डन समथिंग गुड एंड आई विल इंशाल्लाह कंटिन्यू डूइंग दिस। और इस सफर को रोकना नहीं है, इस हदीस को अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान कुराना व अल्लमहु मिन गलत, इस पे हरकत लग गई है गलती से, उनमें से बेहतरीन है वो जो सीखे कुरान को और उसको सिखाए। और जब हमको कुरान आसान भी लगने लगे तो सीखने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और वो जो 7 होमवर्क हैं हमारे, वो हमेशा याद रखना, वो चाहे आप कोर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन होमवर्क को आपने नहीं छोड़ना है। वर्कबुक के हवाले से ये है कि वर्कबुक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सबमिटेड देयर वर्कबुक PDF फॉर्म में भी और फिजिकल भी। जो लोग रहते हैं वो फिर अब्दुल रहमान से रब्ता कर लें इस सिलसिले में, फर्दर आपको उसमें इंस्ट्रक्शन दे देंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा रिवीजन होगा पूरे तमाम लेसन का, और उससे नेक्स्ट वीक हम क्विज करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस हफ्ते में, रिवीजन वाले हफ्ते में, आप अपनी तमाम जो है उसको खुद से भी रिवाइज कीजिए और उसमें से पॉइंट्स जो है उनको नोट डाउन कर दीजिए जो आप चाहते हैं कि उनको स्ट्रेस देके समझा जाए। उसमें फिर हम ये करेंगे कि पूरा, तो आपको पता है ना पूरा कोर्स तो करना मुश्किल होता है, सारे लेसन जो है उनको कर लेंगे इतने शॉर्ट टाइम में, सिर्फ हम जो डिफिकल्ट एरियाज हैं मोस्टली ग्रामर पोर्शन जो है उसको एड्रेस करेंगे। आप लोग अपने जो है मुश्किल या मुश्किल क्वेश्चन उनको सब लोग लिख के रखें, वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप ऑल्सो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका के साथ इलाही आ गया है, तो ये दुआ में हम अपने लिए तौबा तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से। तो अस्सलाम वालेकुम, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।